नए चैप्टर का नाम है AS 17, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। हाँ, अभी हम यूनिट चैप्टर 4 कर रहे हैं ना। तो चैप्टर 4 में हमने पहला यूनिट करा था, वो था AS 1, डिस्क्लोजर पे बेस्ड। यूनिट 2 में हमने करा था AS 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब जो था। फिर AS 17 हमें करना है, क्योंकि अभी हम कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं पंडित जी चैप्टर 4 में? नहीं, जो डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब जिसमें आपको डिस्क्लोजर्स के बारे में या कुछ प्रेजेंट करने के बारे में पढ़ाया सिखाया जाता है। तो 1 में डिस्क्लोजर था, 3 जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट वो प्रेजेंटेशन पर बेस्ड है, उसके बाद 17 जो आज पढ़ेंगे वो भी प्रेजेंटेशन पर बेस्ड है। तो इस चैप्टर में हम सारे कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं जो प्रेजेंटेशन पर बेस्ड होते हैं या डिस्क्लोजर पर बेस्ड होते हैं। तो इसीलिए इस यूनिट 3 में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 पढ़ना है, जिसका नाम है जी, बड़ा बड़ा लिखना, सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग, तो इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि ये एक अच्छा इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एग्ज़ाम के लिए, और 5 मार्क्स की वेटेज ये रखता है। ठीक है, और मेरी कोशिश होगी आज इसका कॉन्सेप्ट भी करेंगे, और इसमें मैं आपको आज 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें कोरे कागज़ पर दस्तखत के साथ आपको ये लिख कर दूंगा कि उन्हीं 5 में से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, चलो। तो खैर, नाम बन गया सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो अगर इसको समझना हो हमें, तो इसको आप ब्रेक कर लो, मतलब इसमें इस AS के हेडिंग में 2 नाम है, एक नाम है सेगमेंट, एक नाम है रिपोर्टिंग। तो अब दोनों को तोड़ लो तो आपको आधा AS तो वैसे ही समझ आ जाएगा। सेगमेंट वर्ड आपने सुना है कभी? सेगमेंट, अलग अलग पार्ट, एक तरह से सिंपल लेमेन भाषा में है ना। तो बिजनेस के टर्म्स में अगर हम बोलें, तो बिजनेस के टर्म्स में, अब सोचो बिजनेस के टर्म में सेगमेंट का मतलब क्या हो सकता है? हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। कोई अब इसको एग्जांपल में कन्वर्ट करके बताओ। हाँ, जैसे रिलायंस ऑयल में भी है ना, रिलायंस, और क्लोथ्स में हो गया, सिम मतलब टेलीकॉम में हो गया, तो वो कह सकता है मेरे अलग अलग सेगमेंट हैं। बिल्कुल सही। तो सेगमेंट का मतलब हम थोड़ा थोड़ा तो हमें पता चल गया। दूसरा शब्द है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब रिपोर्ट्स बनाना। हाँ, उसकी रिपोर्ट्स बनाना, रिपोर्ट्स मतलब तैयार करना। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें यही प्रेजेंटेशन सिखाई गई है कि हम अगर बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं, और हमारे बिजनेस के सेगमेंट्स हैं, तो हमें अपने सेगमेंट्स की रिपोर्टिंग कैसे करनी है, और करनी है भी कि नहीं, ये है मुद्दा। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया सेगमेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं पूरा, फिर अप्लाई करेंगे उसको। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखना, AS 17 इज मैंडेटरी। AS 17 इज मैंडेटरी फॉर नॉन SMCs। बाकी ब्रैकेट में लिखना, अदर एंटिटीज आर एनकरेज्ड, बंद कर देना, अदर एंटिटीज आर एनकरेज्ड टू कंप्लाई AS 17। अदर एंटिटीज आर एनकरेज्ड टू कंप्लाई AS 17। तो AS 17 जो है वो नॉन SMCs के लिए मैंडेटरी है। तो ये आपको पुराने चैप्टर के अंदर बात लिखवाई थी वैसे तो। AS 17 जो है वो नॉन SMCs के लिए मैंडेटरी है, मतलब कि जो बड़ी कंपनी है, लार्ज वाली, छोटियों के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ उन्हें एनकरेज किया जाता है कि भाई आप भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट का नाम है बिजनेस सेगमेंट। इसको आप ब्लॉक बना लेना, बिजनेस सेगमेंट। तो इसमें कुछ डेफिनेशन लिखनी है, वो आप मेरे साथ लिखो। बिजनेस सेगमेंट में
बिजनेस सेगमेंट इज अ डिस्टिंग्विशेबल बिजनेस सेगमेंट इज अ डिस्टिंग्विशेबल कॉम्पोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट इज एंगेज्ड इन That is engaged in providing, that is engaged in providing an individual product or service. Full stop. Individual product or service. Full stop. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना इसी के नीचे फैक्टर्स दैट शुड बी फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग whether the product or service is related or not are फिर डैश डालना है और डैश के नीचे हमें पांच फैक्टर्स लिखने हैं ए बी सी डी ई डैश डाल के ए बी सी डी ई तो पहले लिखो ए नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस इसमें नेचर को हाईलाइट कर लेना बी नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इसमें प्रोसेस को हाईलाइट कर लेना सी टाइप ऑफ कस्टमर्स इसमें कस्टमर्स को हाईलाइट कर लेना डी मेथड्स यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस इसमें डिस्ट्रीब्यूट को हाईलाइट कर लेना और ई नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इसमें एनवायरनमेंट को हाईलाइट कर लेना ब्रैकेट में लाइक बैंकिंग कॉमा इंश्योरेंस एटसेट्रा लाइक बैंकिंग कॉमा इंश्योरेंस एटसेट्रा चलो तो सर ये क्या राम कहानी लिख ली तो बेसिकली पहला टर्म आपको सिखाना है मुझे पहला टर्म जो है वो सीखेंगे हम इसमें पहला टर्म है बिजनेस सेगमेंट कि बिजनेस सेगमेंट किसे कहते हैं व्हाट इज बिजनेस सेगमेंट है ना आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के जाओगे कल बाजार में तो लोग आपसे पूछेंगे कि सीए साहब बिजनेस सेगमेंट क्या होता है लिख लिया पहले सब बच्चों ने ठीक है ना तो पहली टर्म जो है वो हम सीख रहे हैं बिजनेस सेगमेंट मैं इसको नंबर भी दे देता हूँ चाहे आप भी दे दो नंबर वन बिजनेस सेगमेंट ठीक है तो देखो बिजनेस सेगमेंट का क्या मतलब है इसमें लिखा है धीरे धीरे पढ़ेंगे कि बिजनेस सेगमेंट इज अ डिस्टिंग्विशेबल कॉम्पोनेंट इसका मतलब बिजनेस सेगमेंट जो है वो एक डिस्टिंग्विशेबल कॉम्पोनेंट है मतलब जिसकी पहचान अलग है हाँ ऑफ एन एंटरप्राइज दैट इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस जो किसी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करने में लगा हुआ है तो जैसे आपने शुरू में एग्जाम्पल दिया था कि सर रिलायंस ऑयल में भी है और टेलीकॉम में भी है
तो जब वो पेट्रोल बेचती है तो आपको पता लगता है ना अलग प्रोडक्ट है, और जब वो जियो का सिम बेचती है तो आपको साफ दिखता है वो अलग प्रोडक्ट है। तो उनकी दोनों की पहचान अलग अलग है, तो इसीलिए आप उन दोनों को क्या कह सकते हो, सेगमेंट। तो बिजनेस सेगमेंट का मतलब भी वही है कि कुछ भी ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस जिनकी पहचान अलग है, तो वो बिजनेस सेगमेंट हो गया। अब उसी के नीचे दे रखा है कि फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग वेदर द प्रोडक्ट और सर्विसेज रिलेटेड और नॉट। लेकिन आप कैसे पता लगाओगे या कैसे पहचानोगे कि जो दो प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ऐसी डब्बे बना देता हूँ मान लो, कि वो दो प्रोडक्ट्स की हम बात जो कर रहे हैं मान लो वन और टू, ये आपस में रिलेटेड हैं या नहीं, ये कैसे पता लगाओगे कि आपस में रिलेटेड हैं या नहीं हैं, ये कैसे पता चलेगा। मतलब आपने ये कहा कि सर रिलायंस तो पेट्रोल भी बेचता है और रिलायंस जो है वो जियो का सिम भी बेचता है, तो आपने कहा सर ये दोनों अलग अलग सेगमेंट हैं, तो क्यों पंडित जी आपने किन फैक्टरों को देखा, इन्हीं फैक्टरों को जो ये सारे हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पहला नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है। अब पेट्रोल से गाड़ी चलती है, सिम से आपका मोबाइल फ़ोन चलता है ना, आपका टाइम वेस्ट होता है। नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, उसका प्रोडक्शन का प्रक्रिया कैसी है, तेल बनाने की प्रक्रिया अलग है, सिम बनाने की प्रक्रिया अलग है। टाइप ऑफ कस्टमर, ग्राहक कैसा है। हाँ, सिम खरीदेंगे मोबाइल ओनर, तेल डलवाएंगे गाड़ी के ओनर या फैक्ट्री के ओनर। मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, पेट्रोल पेट्रोल पंप पे जा के डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सिम घर घर जाके या फिर जियो के स्टॉल्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, जैसे कि बैंकिंग इंश्योरेंस एट्सेट्रा और भी हो सकते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन। अब सिम की सर्विस में हो सकता है अलग तरह की बैंकिंग की सुविधा हो, अलग तरह की इंश्योरेंस की सुविधा हो, अलग तरह की ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो। ट्रक से सिम लेकर आ सकते हैं, लेकिन ट्रक से पेट्रोल नहीं ला सकते, पेट्रोल के लिए टैंकर चाहिए जो लीक ना करे। तो मतलब ये है कि आप बहुत सारे फैक्टर्स देखते हो, और इन फैक्टरों को देखकर ही तो आपको पता लगता है ना कि ये दो प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं। समझ आ गया पॉइंट। तो जब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बिल्कुल डिस्टिंग्विशेबल हो, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, बिजनेस सेगमेंट। तो समझ आ गया बिजनेस सेगमेंट, सब बच्चों को क्लियर हो गया। चलो उसके बाद नंबर टू, दो तरह के सेगमेंट्स पढ़ाए जाते हैं हमें इस ए एस में, दूसरे को लिख लेते हैं नंबर टू, जियोग्राफिकल सेगमेंट। जियोग्राफिकल सेगमेंट, तो इसमें भी पहले स्टोरी लिख लो फिर समझा दूंगा। तो इसमें डैश डॉट के लिखना, इज अ डिस्टिंग्विशेबल कॉम्पोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज इज अ डिस्टिंग्विशेबल कॉम्पोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट इज एंगेज्ड इन दैट इज engaged in providing products or services within a particular economic environment full stop। नेक्स्ट लाइन में फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड इन आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड इन आइडेंटिफाइंग जियोग्राफिकल सेगमेंट्स इंक्लूड और डैश डाल के चार फैक्टर्स लिखेंगे, ए बी सी डी, ए सिमिलैरिटी ऑफ इकोनॉमिक
एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इसमें आप इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल को हाईलाइट कर सकते हो. बी प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑपरेशंस प्रॉक्सिमिटी को हाईलाइट कर सकते हो. सी स्पेशल रिस्क्स एसोसिएटेड विद ऑपरेशंस इन पर्टिकुलर एरिया इसमें आप स्पेशल रिस्क्स को हाईलाइट कर सकते हो. और डी अंडरलाइंग करेंसी रिस्क्स एटसेट्रा एटसेट्रा. मतलब और भी बातें हो सकती हैं लेकिन हम तो उदाहरण लिख रहे हैं. अंडरलाइंग करेंसी रिस्क एटसेट्रा एटसेट्रा. चलो तो सर ये क्या राम कहानी है. तो दूसरे डेफिनेशन जो है वो ज्योग्राफिकल सेगमेंट की बेसिकली कवर की गई है. तो इसमें भी पहला कीवर्ड तो देखो सेम ही है कि इट इज़ अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट, है ना. तो इसमें भी मतलब जो सेगमेंट है या जो कंपोनेंट है वो डिस्टिंग्विशेबल है, मतलब जिसकी पहचान अलग है. दैट इज़ एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस विद इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, है ना. तो ये भी पैराग्राफ शुरू का तो सेम ही है कि भाई इसकी एक अलग पहचान है, एक ऐसा एंटरप्राइज जो अलग प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में. लेकिन किन फैक्टर्स को देखते हो आप और फिर कहते हो कि भाई हाँ ये ज्योग्राफिकल सेगमेंट होगा. तो पहले कोई ज्योग्राफिकल सेगमेंट का चलो एग्जाम्पल बताना. ज्योग्राफिकल सेगमेंट है नहीं, थोड़ा और बड़ा सोच सकते हो. चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं ही ले लेता हूँ, कहाँ आप दिमाग लगाओगे भोले मासूम बच्चे. मैकडोनल्ड्स का तो आपने नाम सुना ही होगा. हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल. तो वो बीफ बर्गर बेचता है मान लो यूएस में, ठीक है. और मैकडोनल्ड इंडिया में भी है, हरिद्वार छोड़ो पूरे इंडिया में. अच्छा वहाँ प्योरी वेज है, चलो तो आलू बर्गर लिख लेते हैं. तो खैर ये तो हो गया मैकडोनल्ड एक कंपनी, लेकिन आप पहले नज़रिया समझ लो. अब कहने को तो बर्गर ही बेच रहे हैं तो प्रोडक्ट तो सेम ही है ना. पुराने वाले में क्या था कि रिलायंस दो अलग ही प्रोडक्ट बेच रही है, तेल भी बेच रही है सिम भी बेच रही है. यहाँ प्रोडक्ट नहीं है अलग, प्रोडक्ट बर्गर है. अगर आप फोकस कर रहे हो प्रोडक्ट क्या है बर्गर, हाँ. लेकिन यहाँ पे जगह ज्योग्राफी बदल गई है ना, यूएस में भी और इंडिया में भी. अब हम ज्योग्राफिकल सेगमेंट नाम तब देते हैं जब दो जगहें ऐसी हों जहाँ के इकोनॉमिक वातावरण अलग हो. यूएस में जो कल्चर है माहौल है पॉलिटिकल चाहे इकोनॉमिक वो अलग है, इंडिया में जो माहौल है वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक वो अलग है. तो इसीलिए आप इन दोनों जगहों को क्या कह रहे हो, ज्योग्राफिकल सेगमेंट. बेच तो वो बर्गर ही रहा है लेकिन बर्गर इंडिया में एक अलग माहौल में बेच रहा है, यूएस में अलग माहौल में बेच रहा है. तो इसीलिए इनको क्या नाम देंगे, ज्योग्राफिकल सेगमेंट. तो ये बिजनेस सेगमेंट नहीं कहेंगे क्योंकि प्रोडक्ट एक ही है, ठीक है पंडित जी. तो बस कुछ वही फैक्टर लिखे हुए. तो पहला तो यही कि भाई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस देखते हैं कि भाई कैसी हैं. दूसरा देखते हैं प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑपरेशन. प्रॉक्सिमिटी का मतलब बताओ आप तो. हाँ वो तो प्रॉक्सी तो अलग हो गया,
जो आप लगवाते हो अपने दोस्तों से कॉलेज में, अगर जाते हो कॉलेज तो। बाकी प्रॉक्सिमिटी का मतलब बताओ, आप तो सब इंग्लिश मीडियम के होशियार बच्चे हो, इतने होशियार नहीं थे। हाँ समझ बताओ फिर। हाईली चांस नहीं बोल सकते पूरी तरह से, तो आप लिख लो बादल में, इस अंग्रेजी वर्ड का मतलब होता है क्लोजनेस, नज़दीकी, क्लोजनेस, ठीक है, नज़दीकी या सिमिलैरिटी कह सकते हो, थोड़ा सा वो चल जाएगा। तो प्रॉक्सिमिटी मतलब हो गया सिमिलैरिटी समझ लो या क्लोजनेस समझ लो ऑफ ऑपरेशंस। तो अब देखो यूएस में उनका ऑपरेशन अलग होगा, अलग तरीके से होगा, इंडिया में अलग तरीके से होगा। तो मतलब हम ये देखते हैं कि ऑपरेशंस की क्लोजनेस कितनी है, तो उससे फिर आइडिया लगाते हैं कि ये ज्योग्राफिकल सेगमेंट है ना। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो आप अलग तरह से करोगे, यूएस में काम कर रहे हो तो अलग तरह से करोगे, तो इसका मतलब वहाँ पे डिफरेंस है ऑपरेशन का। और प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस, तो हम ये देखते हैं कि ऑपरेशंस में कितनी सिमिलैरिटी है, ये भी एक फैक्टर बन गया। तीसरा हो गया स्पेशल रिस्क एसोसिएटेड विद ऑपरेशन। स्पेशल रिस्क समझाने के लिए मैंने वही बीफ बर्गर और आलू बर्गर का एग्जांपल लिया। अब मैकडोनल्ड्स को पता है कि बीफ बर्गर इंडिया में बेचेंगे तो रिस्क है ना, लेकिन यूएस में वो हाई डिमांड में हो सकता है, तो इसका मतलब हर ज्योग्राफी का अपना एक रिस्क हो सकता है। और डी है अंडरलाइंग करेंसी रिस्क, ये भी आप इसमें करेंसी रिस्क हाईलाइट कर सकते हो। करेंसी रिस्क क्या होता है, चेंज अलग 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 जगहों में अलग अलग करेंसीज़ की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। तो यूएस में बर्गर डॉलर में बेच रहे हैं वो, और इंडिया में बर्गर रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो हो सकता है डॉलर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी हो, रुपी एक वीक करेंसी हो, तो उस हिसाब से कंपनी के कुछ रिस्क हो सकते हैं कि यूएस में डॉलर में बर्गर बेच रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन इंडिया में रुपी में बर्गर बेच रहे हैं तो शायद कम प्रॉफिट कमाएं, तो ये हो गया करेंसी रिस्क। तो मतलब कि हम इन फैक्टरों के आधार पर मतलब ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये एक ज्योग्राफिकल सेगमेंट है। तो क्लियर हो गया ज्योग्राफिकल सेगमेंट। तो बताओ दो तरह के सेगमेंट कौन कौन से हो गए, बिजनेस और ज्योग्राफिकल सेगमेंट। तो ये तो आपसे थ्योरी में पूछता है कभी कभी कि दो टाइप के सेगमेंट बताओ क्या, पाँच नंबर में क्वेश्चन पूछे तो ये पूरे पहले दो पॉइंट चिपका जाना एग्जाम में। अब इसके नीचे लिखते हैं स्टार, स्टार डाल के लिखना है, ए रिपोर्टेबल सेगमेंट, ए रिपोर्टेबल सेगमेंट इज अ बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट identified on the basis of definitions as per AS 17, as per AS 17. A reportable segment is a business segment or geographical segment identified on the basis of definitions as per AS 17. तो इसमें आपको reportable segment को highlight करना है और definitions word को बस underline कर लेना। चलो तो ये पूरा AS जो है वो अब मुद्दे पर आ रहा है। अभी तो theory की बातें तो 11वीं के बच्चे को भी पढ़ा लेते हैं कि business segment और geographical segment, लेकिन ये AS पता है इसका, इस AS का मेन मुद्दा क्या है। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा फिर आप बताना। मान लो मेरा एक और सेगमेंट है, ठीक है, लेट से मेरा एक और सेगमेंट है, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, वो तो आपको दिख ही रहा है, वो तो मेरा एक सेगमेंट है। नहीं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मेरा एक दूसरा सेगमेंट भी है कि मैं बर्गर भी बेचता हूँ सोमवार को। हाँ इसमें हंसने की क्या बात है, तुम्हें क्या पता उसमें कितना टर्नओवर है मेरा, है ना, हंसूँगा तो मैं है ना, हंसूँगा तो मैं।
तो मैं बर्गर भी बेचता हूँ, ठीक है, वो मेरा दूसरा काम है। लेकिन अब मेरा मुद्दा खैर ये है, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मान लो मेरा एक रिपोर्ट तैयार हो रही है, मैं उसमें सारी बातें बता रहा हूँ, PNL दिखा रहा हूँ, बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ, है ना, नोट्स हो गया, सब हो गया, वही सब बातें जो आप पढ़ चुके, फिर AS1 ने कहा है पॉलिसियाँ डिस्क्लोज कर दो, वो सब कर रहा हूँ, चलो सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन मेरा क्वेश्चन अब ये है, क्या मैं आपको ये बताऊँ या क्या मैं यूज़र को ये बताऊँ कि मेरा एक सेगमेंट और भी है जो मैं बर्गर बेचता हूँ, शुड आई डिस्क्लोज दिस और नॉट? ये है मुद्दा। AS17 का रोल ही ये है बस, AS17 का सिर्फ यही रोल है जो मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैं बर्गर बेचता हूँ, ये बात तो मैंने अभी आपको ओरली बताई है, पर क्या मैं इसको रिपोर्ट करूँ, यूज़र को भी बताऊँ कि मैं बर्गर भी बेचता हूँ, या बस अपना जो ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमा रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ वही बताऊँ, बताऊँ कि बर्गर भी बेचता हूँ या नहीं बताऊँ, बताऊँ तो क्यों बताऊँ? हाँ, मतलब वही कि क्या ये डिस्क्लोजर मैं दूँ, क्या मैं इसके बारे में रिपोर्ट बताऊँ कि मैं बर्गर बेच रहा हूँ, क्या शुड आई रिपोर्ट दिस? हाँ कर रहा हूँ भाई, बर्गर की तो अलग अकाउंटिंग चली रही है, ये लोगों तो उसका PNL उसकी बैलेंस शीट तो बनी गई, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या मैं RKG वाला ये ट्यूशन क्लासेस जो चल रही हैं, आप बच्चे मान लो मेरे स्टेक होल्डर्स हो, आप भी तो यूज़र तो हुई ना भाई एक तरह से, वैसे सोचे तो क्या मैं आपको बताऊँ कि मैं बर्गर भी बेच रहा हूँ? ये है क्वेश्चन, बताना चाहिए, और नहीं बताऊँ तो नहीं। एसेट कंपनी के लाइबिलिटी एसेट यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा वो एंगल कह रहे हो आप, तो बताना चाहिए, ठीक है। लिंक तो कुछ नहीं है, लिंक क्या है? हाँ लिंक तो सिर्फ मैं हूँ, मेरी कंपनी है, और मतलब वही आप रिलायंस या मुकेश अंबानी वाला मॉडल समझ लो, मालूम भाई रिलायंस जो है मुकेश अंबानी तेल बेच रहे, तो वो जब रिलायंस की रिपोर्ट बना रहा है वालों तेल वाली भी, तो उसमें वो सब चीज़ें बताएं दूसरे सेगमेंट की, ये मुद्दा तो मतलब उसके साथ नहीं बताना चाहिए, आप ये कह रहे हो, ठीक है नहीं बताएं, ठीक है। तो खैर मतलब अब मैं उस पर थोड़ा सा रोशनी डाल देता हूँ इन सब बातों पर। तो पॉइंट ये है कि AS17 क्या कहता है, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। AS17 ये कहता है कि अगर आपका सेगमेंट रिपोर्टेबल है, तो देखो अब येलो में क्या हाईलाइट कर रखा है हमने, रिपोर्टेबल, तो मुझे बताना पड़ेगा। तो रिपोर्टेबल का मतलब ये होता है कि जिसकी रिपोर्ट देनी चाहिए। तो अगर मेरा सेगमेंट, चाहे बिजनेस सेगमेंट हो चाहे ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो, अगर मेरा कोई भी सेगमेंट रिपोर्टेबल है, तो फिर मुझे AS17 की डेफिनेशंस के अनुसार उसको बताना पड़ेगा। लेकिन अगर वो रिपोर्टेबल नहीं है, अगर मान लो वो बहुत छोटा है, मान लो मैं पूरे साल में सिर्फ 2 बर्गर बेचता हूँ, तो नहीं बताना चाहिए टेक्निकली। तो हम ये थोड़ी देर बाद अभी आगे पढ़ेंगे कि किसको रिपोर्टेबल माना जाए और किसको रिपोर्टेबल ना माना जाए। इसके लिए AS17 ने डेफिनेशंस दे रखी हैं और AS17 ने क्राइटेरियाज दे रखे हैं कि अगर ये क्राइटेरिया फुलफ़िल हो गया तो बताओ, क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हुआ तो मत बताओ। तो वो हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, बट इस लाइन का मतलब समझ गए। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट जो है वो कोई भी हो सकता है, बिजनेस सेगमेंट भी, ज्योग्राफिकल सेगमेंट भी, लेकिन उसको हम AS17 के हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो AS17 ने हमें कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं, वो हम लिखते हैं 1 by 1। तो सबसे पहले अब नंबर 1 लिखना, तो यहां से मतलब हमारा मेन कार्य शुरू हो रहा है टेक्निकली। तो लिखो, पहली डेफिनेशन है सेगमेंट रेवेन्यू। तो इसमें आप डैश डाल के लिख लो सेगमेंट रेवेन्यू के बारे में, प्रपोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ सेगमेंट, और सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट इंक्लूड
डज नॉट इंक्लूड को आप हाईलाइट कर लेना। तीन चीज़ें लिखेंगे, तीन चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी। ए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। बी, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम। सी, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो A17 ने ये पहली डेफिनेशन दे रखी है जिसका नाम है सेगमेंट रेवेन्यू। तो सिंपल डेफिनेशन है वैसे, तो पहली लाइन पढ़ते ही लॉजिकली तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि मैं भी समझा दूँ। तो सेगमेंट रेवेन्यू किसको कह रहे हैं? देखो, सेगमेंट रेवेन्यू कह रहा है कि एंटरप्राइज के रेवेन्यू का वो प्रोपोर्शन जो आप किसी सेगमेंट को एट्रीब्यूट कर सकते हो। सिंपल, तो जैसे लेट से मैं अपने एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो मैंने टोटल 10 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, तो ये क्या हो गया? मेरा एंटरप्राइज रेवेन्यू, ये मेरा पूरा रेवेन्यू हो गया। अब उसमें मुझे पता है कि मैंने साल में 2 बर्गर बेचे थे 100 रुपए के, तो ये जो पूरे एंटरप्राइज रेवेन्यू में से जो प्रपोर्शन मैं एट्रीब्यूट कर सकता हूँ बर्गर को, वो कितना हो गया? 100 रुपए। तो इस 100 रुपए को क्या बोल दूंगा? सेगमेंट रेवेन्यू। तो ये 100 रुपए क्या बन जाएगा भाइयों बहनों? सेगमेंट रेवेन्यू, समझ गए? तो मेरे पूरे बिजनेस में या मेरे पूरे एंटरप्राइज रेवेन्यू में से जो बर्गर बेचकर मैंने 100 रुपए के बर्गर बेचे, उस 100 रुपए के बर्गर वाले रेवेन्यू को क्या बोल दूंगा मैं? सेगमेंट रेवेन्यू। और बाकी कितने रुपए बच गए पंडित जी? 9,99,99,900, वो भी है सेगमेंट रेवेन्यू, लेकिन वो दूसरे सेगमेंट का रेवेन्यू हो गया। समझ गए सेगमेंट रेवेन्यू क्या है? दोबारा बता देता हूँ कि मान लो मेरा पूरा का पूरा एंटरप्राइज रेवेन्यू है 10 करोड़। मेरा एंटरप्राइज रेवेन्यू कितना है? 10 करोड़। और उसमें से बर्गर मैंने बेचे 100 रुपए के, तो खाली उस 100 रुपए को मैं क्या बोल दूंगा? सेगमेंट रेवेन्यू। समझ गए? चलो, तो क्लास के बाद दोबारा समझ लेना। अब क्या आप समझाऊं इससे मैं? हाँ, ये वो पोर्शन हो गया मेरे रेवेन्यू का जिसको मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो ऐसा समझ लो, चलो और सिंपल कर देता हूँ। मेरे को लगता है 10 करोड़ मैंने गलत लिख दिया, तुम घबरा गए। तुम समझ लो 500 रुपये मान लो, हाँ 500 मान लो, हाँ कंपनी का रेवेन्यू है 500 रुपये ऐसे समझ लो, जिसमें से 400 रुपये मैंने ट्यूशन पढ़ा के कमाए, वो पहला सेगमेंट हो गया, बिल्कुल सही। और 100 रुपये बर्गर बेच के कमाए, तो अब समझ आ गया? ठीक है, तो इसका मतलब मैंने गलती करी 10 करोड़ लिखकर, इतना डाइजेस्ट नहीं हुआ। अभी आप 100-500 में ही घूमो, वही सही है आपके लिए। बट समझ आ गया जी सबको? ठीक है, चलो, तो ये हो गया जी सेगमेंट रेवेन्यू। हाँ, लेकिन इसमें रेड कलर पढ़ लो, इन तीन चीज़ों को नहीं इंक्लूड करते। मान लो मेरे को कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम हो गई, या मान लो मेरे को कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम मिल गई, या मान लो मैंने कोई अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया उस पर मुनाफा हो गया, ये सब चीज़ें किसी सेगमेंट की नहीं मानी जाती। ये सब कंपनी अपने अलग से कंपनी के खाते में ही रिकॉर्ड करती है, इसमें बर्गर का कोई रोल नहीं है, है ना? तो बर्गर के रेवेन्यू को मैं 100 रुपये ही कंसिडर करूँगा, उनमें इस तरह की इनकमों को कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, हाँ, कौन सा मेरा नॉन ऑपरेटिंग वर्ड कहाँ लिखा? अच्छा, नहीं वो मैं बता देता हूँ। मान लो मैंने एक कैसीनो में लॉटरी लगाई थी, वहाँ पे 10 रुपये जीत गया, तो अब आप इसको बर्गर के रेवेन्यू में, सेगमेंट रेवेन्यू में लोगे कि नहीं? ये है मुद्दा, नहीं लोगे ना? हाँ, उस पर्टिकुलर सेगमेंट से नहीं रिलेट कर सकते। तो ये 10 रुपये की इनकम तो मेरे कहाँ पे? कंपनी के मेन टोटल वाले खाते में बस जुड़ जाएगी। इसको मैं किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में नहीं लगा सकता। इसको मैं ये नहीं कह सकता मेरे ट्यूशन सेगमेंट की है, इसको मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरे बर्गर के सेगमेंट की है,
ये 10 रुपए की लॉटरी इनकम तो कहाँ जाएगी, टोटल में। ये एंटरप्राइज रेवेन्यू है, राइट। या इसी तरह मान लो मुझे 5 रुपए का डिविडेंड मिला, तो क्या मैं ये बर्गर के इनकम में डाल दूं या ट्यूशन की इनकम में डाल दूं? नहीं, ये मेरे एंटरप्राइज के रेवेन्यू में चला जाएगा। तो इनको सेगमेंट रेवेन्यू में नहीं लेंगे, समझ गए पॉइंट? तो क्लियर हो गया सबको? चलो तो देख लो, मन की संतुष्टि बहुत जरूरी है, तब आगे बढ़ेंगे। तो ओके भाई, भाइयों बहनों, चलो तो सेगमेंट रेवेन्यू हो गई पहली डेफिनेशन। फिर दूसरी डेफिनेशन है AS 17 में सेगमेंट एक्सपेंस। तो ये अब आप बता सकते हो ऐसा मुझे लगता है, बताओ ये क्या होगा? बिल्कुल सही, क्योंकि भाई जो भी एंटरप्राइज के एक्सपेंस हैं उसमें से आप किसी सेगमेंट को डायरेक्टली कितना एंट्रीब्यूट कर रहे हो। हाँ, आ जाओ तुम स्टेज पर ही आ जाओ, मुझे लग रहा है मैं आज गलत आ गया, अब कुछ तो मेरे लिए भी छोड़ दो ना। तो पहले लिख लेते हैं बेसिक चीज। तो एक्सपेंस रिजल्टिंग फ्रॉम ऑपरेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक्सपेंस रिजल्टिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ अ सेगमेंट, बाकी ब्रैकेट में लिख सकते हो इसके, पोर्शन ऑफ, वही जो आप बता रहे थे, पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज एक्सपेंस दैट कैन बी एलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस टू द सेगमेंट। ये तो हो गई पहले डेफिनेशन। वही जो आपने बताया कि सर एंटरप्राइज के एंटरप्राइज के एक्सपेंस में से जो हम किसी भी सेगमेंट को एलोकेट कर सकते हैं, वो हो गया मेरा सेगमेंट एक्सपेंस, है ना। और ऊपर की भी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो कि एक्सपेंस रिजल्टिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ अ सेगमेंट, भाई जो भी खर्चा मैं कर रहा हूँ उस सेगमेंट की गतिविधियों पर, वो सेगमेंट एक्सपेंस है। तो मैं बर्गर वाले सेगमेंट में जो भी खर्चा करता हूँ, अब बर्गर वाले सेगमेंट में मेरा जो भी खर्चा है, लेट से बर्गर खरीदूंगा, एक आदमी रख रखा है जो बर्गर बनाता है, उसको सैलरी देते हैं, तो बर्गर वाले सेगमेंट के जो भी खर्चे होंगे हम उन खर्चों को क्या बोल देंगे, सेगमेंट एक्सपेंस। तो क्लियर हो गया? बाकी इसमें अगला पॉइंट लिख लेते हैं, इट डज नॉट इंक्लूड, इसे आप हाईलाइट कर लेना कि भाई सेगमेंट के खर्चों में हम क्या नहीं लेंगे। तो बताओ पंडित जी क्या नहीं लेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, है ना, मतलब ब्रैकेट में इंटरेस्ट एक्सपेंस का मतलब है इंटरेस्ट पेड, लेकिन इस पर एक स्टार लगाना है, इस पर एक नोट स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, वो अलग से लिख पाऊंगा। सी, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप कुछ निवेश बेच दिया और नुकसान हो गया। और डी, इनकम टैक्स एक्सपेंस, इनकम टैक्स हमेशा पूरी कंपनी का होता है, अगर मैं भी इनकम टैक्स दूंगा तो इनकम टोटल जो भी है उसके हिसाब से इनकम टैक्स बनेगा, मैं उसको एट्रीब्यूट नहीं करूंगा कि बर्गर इतना टैक्स तो देख तेरी वजह से, ऐसा नहीं होएगा, वो तो पूरे का एक साथ ही होएगा, है ना। मैं इनकम टैक्स देने के बाद घर आके ये नहीं कह सकता कि बर्गर तेरी वजह से इतना टैक्स गया, ऐसा नहीं होगा, वो तो पूरा एंटरप्राइज का एक ही होता है। तो इनकम टैक्स एक्सपेंस भी हम किसी सेगमेंट को नहीं एलोकेट करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस भी किसी सेगमेंट को नहीं करेंगे, लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट बेचने पर वो भी किसी सेगमेंट को नहीं एलोकेट करेंगे, और इसी तरह जो इंटरेस्ट पे करते हैं, हमने लोन लिया और इंटरेस्ट पे करा तो वो भी किसी सेगमेंट को
एलोकेट नहीं करेंगे। बट समझ आ गए कि क्या लिखे हैं पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में बहुत ही स्पेसिफिक एक चीज़ दे रखी है, तो या तो वो आप नीचे लिख लो, चलो नीचे ही लिख लेते हैं, उस स्टार का लिंक बनाकर बाद में बादल बना लेंगे। तो इसमें आप लिख लो, पहले कुछ लिखवाएंगे इसके बारे में, फिर समझा देता हूँ इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में। स्टार डाल के लिखना, इंटरेस्ट एक्सपेंस रिलेटिंग टू ओवरड्राफ्ट एंड अदर लायबिलिटीज शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सेगमेंट एक्सपेंस, शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सेगमेंट एक्सपेंस, है ना। तो ये तो हमें पता ही है कि भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होता है, आपका किसी ओवरड्राफ्ट का कोई इंटरेस्ट हो, कोई लायबिलिटी का कोई इंटरेस्ट हो, है ना, मतलब आप लोन लेते हो, उस लोन पर आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो वो इंटरेस्ट कभी भी सेगमेंट एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनेगा, है ना, नहीं बनेगा। अनलेस, अब आगे मेन चीज लिखनी है, अनलेस द ऑपरेशंस ऑफ सेगमेंट, अनलेस the operations of segment are primarily of financial nature, unless the operations of segment are primarily of financial nature। चलो तो कौन बच्चा बुद्धि लगा के समझाना पहले आप चाहता है? मतलब सेगमेंट एक्सपेंस में हमारा वो बिजनेस ही ऐसा बैंकिंग या कुछ ऐसा टाइप का ना हो। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मान लो मैं, मेरा काम ही फाइनेंशियल नेचर का है, मान लो मेरी कंपनी का नाम है मुथूट फाइनेंस, ठीक है, तो मेरा तो रोज का काम है इंटरेस्ट पे करना, तो मेरे लिए इंटरेस्ट पे करना फिर तो मतलब मेरे सेगमेंट का ही खर्चा माना जाएगा ना, ऑपरेटिंग ही हो गया ना वो तो एक तरह से। तो ये लिखा है, तो समझ आ गया आपको मतलब। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस वैसे तो सेगमेंट एक्सपेंस नहीं होता, लेकिन अगर आपका काम ही मेन धंधा ही यही है तो फिर हो जाएगा। पहले इतना क्लियर हो गया। फिर उसी के नीचे एक और बात लिखनी है, एज पर हाँ हो सकता है, लेकिन उसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने नोट दिया नहीं, तो आपकी रिकमेंडेशन जो है मैं एएसबी को भेज दूंगा। सोच सही है बिल्कुल, लेकिन उसका नोट दिया नहीं तो मैं लिखवा नहीं सकता। सोच सही रहे। ऐसे तो मान लो मेरा मेन काम लॉटरी का ही है, मैं कसीनो, हाँ है ना, तो वो तो हो सकता है, तो वो तो केस टू केस चेंज हो ही जाएंगी बातें, कि मान लो मेरा काम ही लॉटरी टिकट्स का है, मैं तो रोज लॉटरी खेलता हूँ, तो वो मेरे लिए फिर हो सकता है लॉटरी इनकम वो बन जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं, हाइपोथेटिकल बातें। अच्छा, तो एज पर AS 16 कॉमा एक और बात लिखनी है, इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इफ लिखना सॉरी इफ इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज देन सच इन्वेंट्रीज आर सेगमेंट एसेट एंड सच इंटरेस्ट is a segment expense. As per AS 16, if interest is included as part of cost of inventories, then such inventories are segment asset and such interest is
सेगमेंट एक्सपेंस। तो इसमें आप AS-16 को चाहे हाईलाइट कर लेना, हम AS-16 जब पढ़ेंगे, AS-16 एक बोरिंग कॉस्ट का होता है, तब ये आपको बात बहुत अच्छे से समझ आएगी। लेकिन अभी भी थोड़ा सा समझा देता हूँ हल्का सा एक डायग्राम बनाकर। तो मान लो मैं अपने वही बर्गर सेगमेंट का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, मैं अपने एक बर्गर सेगमेंट का एग्जांपल ले लेता हूँ। अब बर्गर्स बनाने के लिए मैंने मान लो बर्गर खरीदे, तो आप इसको क्या बोलोगे, मेरा इन्वेंट्री। आपको एक बर्गर की दुकान इमेजिन करनी है, पहले आप बर्गर की दुकान पे पहुंच गए, सब बच्चे आंखें बंद कर लो, तो वहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है ठेले पे, बर्गर ही बर्गर। तो आप उसके लिए बर्गर को क्या बोलोगे, स्टॉक या इन्वेंट्री, ठीक है। अब मैं आपको उसके पीछे की हकीकत बताता हूँ। ये बर्गर खरीदने के लिए मैंने लोन लिया था 1,00,000 रुपये का, इन बर्गरों को खरीदने के लिए। अब जब बर्गरों को खरीदने के लिए लोन लिया 1,00,000 रुपये का, तो फिर ऑब्वियसली लोन पर क्या पे करूँगा, इंटरेस्ट पे करा, लेट से 10,000 रुपये का, ठीक है जी। तो आपको AS-16 में सिखाया जाएगा, तो अभी बुद्धि मत लगाना, कहीं अभी दिमाग लगाना शुरू कर दो। AS-16 में आपको ये सिखाया जाएगा कि ये जो आपने इंटरेस्ट पे करा है 10,000 का, ये इंटरेस्ट भी इन इन्वेंट्री की कॉस्ट में ही जुड़ जाएगा। तो मान लो ये बर्गर मैंने खरीदे थे, ऐसी लिख रहा हूँ कुछ भी फिगर, 60,000 रुपये के, तो कॉस्ट इनकी कितनी मानी जाएगी बर्गरों की, 70,000। ये AS-16 में सिखाया जाएगा भाइयों बहनों आपको, बट कंटेक्स्ट समझ गए कि क्या हो रहा है, कि आपने अगर बर्गर खरीदने के लिए, इन्वेंट्री खरीदने के लिए लोन लिया और उस लोन पर ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया, लेट से हाइपोथेटिकल एग्जांपल है हालांकि, लेकिन ऐसी कहानियां बना रहा हूं, तो उस ब्याज को हम कभी कभी इन्वेंट्री की ही कॉस्ट में जोड़ेंगे, तो जुड़ गया। तो इस केस में ये जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है या ये जो इन्वेंट्रीज हैं, इन इन्वेंट्रीज को हम सेगमेंट एसेट पुकारते हैं, और इस केस में ये जो इंटरेस्ट हमने पे करा इसको क्या बोलेंगे, वेरी गुड। तो पढ़ ली पूरी लाइन वो वाली, अब पढ़ लो, चाहे आप पढ़ लो एक बार दोबारा से, एज पर AS-16, ठीक है, पढ़ लो पूरी लाइन, एज पर AS-16 इफ इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, समझ आ रहा है, अगर इंटरेस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट है, देन क्या होगा, आगे की लाइन पढ़ लो, सच इन्वेंट्रीज आर सेगमेंट एसेट एंड सच इंटरेस्ट इज सेगमेंट एक्सपेंस। तो ये एक एक्सेप्शनल हो गया ये भी केस, ठीक है, तो क्लियर हो गया भाई, चलो तो देख लो भाई, यहाँ तक सब बच्चे बिल्कुल ओके, तो सेगमेंट एक्सपेंस क्लियर हो गया, चलो तो दो डेफिनेशन तो आप सीख गए, तो सेगमेंट रेवेन्यू सीख गए, सेगमेंट एक्सपेंस भी सीख गए। अब नंबर 3 लिख लेते हैं जी, नंबर 3 सेगमेंट रिजल्ट, नंबर 3 है सेगमेंट रिजल्ट। चलो ये कौन बताना चाहता है, हाँ सेगमेंट से क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, बिल्कुल सही, तो इसका फॉर्मूला बताओ, कौन बताएगा, हाँ सिंपल, तो सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंस, ठीक है। तो इसमें तो मुझे कुछ समझाना ही नहीं है, और अगर समझाना पड़े तो आपके हुनर की तौहीन हो जाएगी, तो इसीलिए मैं इसमें कुछ नहीं समझाऊंगा। तो ये तो आप समझ गए भाई सब बच्चे, सेगमेंट रिजल्ट मतलब प्रॉफिट या लॉस, तो वो सिंपल है, सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंस। उसके बाद नंबर 4, चौथी डेफिनेशन है सेगमेंट एसेट्स, ये भी मुझे कुछ नहीं समझाना, बस ओरली सुना दो। तो सेगमेंट एसेट्स का मतलब एसेट्स लगे हैं, तो मेरे को बर्गर की दुकान पर मैंने जो भी एसेट्स लगा रखे हैं वो सब क्या होंगे, सेगमेंट एसेट्स, है ना। तो इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं लिखनी, ऐसे टिक लगा लो बस, लेकिन हाँ ये लिख लो कि इट डज नॉट इंक्लूड,
ये इंपॉर्टेंट है. इट डज नॉट इंक्लूड, तो दो चीजें नहीं करनी इंक्लूड. ए वाली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी आएगी. ठीक है, ए है इनकम टैक्स एसेट. और बी तो नॉर्मल है, एसेट यूज्ड फॉर जनरल पर्पस ऑफ हेड ऑफिस. एसेट यूज्ड फॉर जनरल पर्पस ऑफ हेड ऑफिस. तो पहले नीचे वाला समझा देता हूं. बी जनरल पर्पस का मतलब होता है कि भाई मान लो मुकेश अंबानी जी जो रिलायंस का मेन हेडक्वार्टर है वहां अपने ऑफिस पे एक चेयर पे बैठते हैं, है ना. तो उनके ऑफिस में जो चेयर रखी हुई है मुकेश अंबानी साहब की 10 लाख रुपए की, अब उस चेयर को क्या आप किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट पे एलोकेट कर सकते हो कि ये तो तेल बेचने वाले बिजनेस का एसेट है या ये तो सिम बेचने वाले सेगमेंट का एसेट है? नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो एक जनरल पर्पस के लिए रखा हुआ. तो हेड ऑफिस में रखी हुई है, मुकेश अंबानी उस कुर्सी पर बैठते हैं, तो उस एसेट को आप किसी भी सेगमेंट पे तो नहीं एलोकेट कर सकते ना कि ये कुर्सी तो सिम वाले बिजनेस की है, ये कुर्सी तो पेट्रोल वाले बिजनेस की है. तो कुछ ऐसे भी एसेट्स हो सकते हैं जो हेड ऑफिस में जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो फिर किसी सेगमेंट के नहीं माने जाएंगे. समझ गए? बाकी इनकम टैक्स एसेट जो है ये आप पढ़ोगे AS 22 में. वैसे तो लिख लो बराबर में रेफर AS 22, तो जब पहुंचोगे तो समझ जाओगे. तो अभी तो समझाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ बस ये भी एक एसेट है ये समझ लो. इसको बोलते हैं वैसे डेफर्ड टैक्स एसेट. और जो बच्चा होशियार है जिसने 12th क्लास में हाँ बैलेंस शीट ढंग से रट्टा मारी होगी, डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एसेट लाइबिलिटी में होते थे, पर 12th क्लास में वो कटवा देते थे कि भाई ये पूछेगा नहीं. हाँ होता तो था ना, याद है आपको, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में एक होता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और एसेट में एक होता है डेफर्ड टैक्स एसेट. तो ये वो वाला एसेट है ना. तो इसको फिर हम नहीं मानते किसी सेगमेंट का, ये भी पूरे बिजनेस का होता है कंबाइंड. ठीक है, चलो तो ये भी हो गया जी सेगमेंट एसेट. और पांचवी डेफिनेशन है जी, वो तो आप समझ ही जाओगे, सेगमेंट लाइबिलिटी. तो इसमें तो कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा बताना ही नहीं पड़ेगा, आप ही बता दोगे. तो सेगमेंट लाइबिलिटी क्या? इट डज नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी ऑफ द जनरल कंपनी. ठीक है, तो पहले टिक लगा देता हूँ. बेसिक डेफिनेशन तो समझ ही गए, सेगमेंट की लाइबिलिटियाँ, सेगमेंट लाइबिलिटी, वो तो सिंपल हो गई बात. बाकी इट डज नॉट इंक्लूड लिख लो चाहे, हालांकि वो भी सेम ही बात, सेम ही पॉइंट्स हैं ऊपर के, लेकिन फिर भी चाहे दोबारा लिख लो कि इट डज नॉट इंक्लूड. सेगमेंट लाइबिलिटी में हम नहीं लेंगे ए इनकम टैक्स लाइबिलिटीज, और बी जनरल बोरोइंग्स ऑफ हेड ऑफिस. मतलब वही जनरल पर्पज़ वाली कोई लाइबिलिटीज, जनरल बोरोइंग्स ऑफ हेड ऑफिस. ठीक है, तो पांचों डेफिनेशन समझ आई. तो एक बार मैं कंटेक्स्ट बता देता हूँ पूरा कि हो क्या रहा है, हम कौन से समुंदर के अंदर कहाँ गोते लगा रहे हैं. आप सिर्फ अभी तक ये पढ़ रहे हो कि किसी भी सेगमेंट का रेवेन्यू क्या होता है ये आपको पता चल गया, किसी भी सेगमेंट का एक्सपेंस क्या होता है ये आपको पता चल गया, किसी भी सेगमेंट का रिजल्ट क्या होता है. अच्छा, अब मैं अगर खाली रिजल्ट लिख दूं और ऊपर के दो हटा दूं तो एक तरह से माना जा सकता है कि अगर आप रिजल्ट समझ गए या सीख गए या निकाल लिया तो ऊपर के दोनों ऑटोमेटिकली कवर हो गए. और किसी भी सेगमेंट का आप एसेट समझ गए और किसी भी सेगमेंट का आप लाइबिलिटी समझ गए.
हाँ लेकिन वो बनानी नहीं है। तो हमने ये जो पांच बातें और इम्पॉर्टेंटली तीन बातें समझी, या जो AS-17 ने डेफिनेशन दी वो तो हो गई डेफिनेशन सॉरी, लेकिन मेन मुद्दा अभी भी ये है कि क्या आप इस सेगमेंट को रिपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे। क्या ये बात आपको भी पता है? नहीं। ये नहीं पता ना अभी भाई, क्या मैं बर्गर के सेगमेंट को रिपोर्ट करूं या ना करूं? क्राइटेरियाज पर, राइट। तो अब हम AS-17 के तीन क्राइटेरियाज पढ़ेंगे। AS-17 ने हमें तीन क्राइटेरियाज बताए हैं। पहला क्राइटेरिया है रिजल्ट के बेसिस पर, दूसरा क्राइटेरिया है एसेट के बेसिस पर, और तीसरा है लायबिलिटी के बेसिस पर। ठीक है, तो AS-17 के क्राइटेरियाज लिखेंगे हम, जिसके बेसिस पर अब आप देखकर बताओगे कि ये सेगमेंट को मैं रिपोर्ट करूं या ना करूं, यानी कि किसी भी सेगमेंट को हम रिपोर्टेबल बोलें या ना बोलें। तो वो क्राइटेरियाज अब लिखते हैं। तो डेफिनेशन तो हमने समझ ली थी, तो अब हम लिखते हैं अगला, मतलब एरो डाल के या पॉइंट डाल के कुछ भी बड़ा बड़ा हेडिंग डाल लो, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। और ब्रैकेट में लिख लो क्राइटेरिया, या इसको ब्रैकेट में एक और ब्रैकेट में लिख लो, इसको क्वांटिटेटिव लिमिट्स भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव लिमिट्स। तो ये आपको रटनी है, ठीक है। तो इस पे बना लो R का सिंबल, तो ये आपको रटनी पड़ेगी क्योंकि ये तो भाई रूल हो गया ना। तो ऊपर तक तो समझ के कुछ भी लिख सकते हो अपनी भाषा में, लेकिन नीचे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिमिट याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। लेकिन है बहुत सिंपल, आप लिखते ही रट जाओगे, तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। चलो तो लिखो जी, ए बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट, ए बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट इज रिपोर्टेबल इफ अब इफ के आगे डैश डाल लो कि भाई किसी भी बिजनेस या ज्योग्राफिकल सेगमेंट को हम सॉरी रिपोर्टेबल कहेंगे अगर क्या होगा। तो पहले लिख लो ए, तो पहले मैं रिजल्ट के बेसिस की लिमिट लिखवा रहा हूं आपको, तो लिख लो इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर्स एंड इंटरनल ट्रांसफर्स इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर्स एंड इंटरनल ट्रांसफर्स, अब बड़ा बड़ा साइन बना लो, ग्रेटर इक्वल टू 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट्स। तो पहला क्राइटेरिया, मतलब मैंने रिजल्ट बोल दिया सॉरी, रेवेन्यू के बेसिस पर है। पहला क्राइटेरिया रेवेन्यू के बेसिस पर है कि भाई आपका रेवेन्यू, अगर किसी भी सेगमेंट का रेवेन्यू टोटल सारे सेगमेंटों के टोटल रेवेन्यू को मिलाकर अगर 10% या उससे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है तो फिर वो रिपोर्टेबल हो जाएगा। समझ आ गई क्या इंग्लिश लिखी हुई है? तो अगर मैं मेरे बर्गर का रेवेन्यू है ना, बर्गर की जो मेरी सेल है, अगर वो मेरे टोटल सारे सेगमेंटों की सेल के 10% या उससे ज़्यादा है तो फिर वो रिपोर्टेबल हो जाएगा। समझ गए पहली कंडीशन? तो बाकी हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे तो भी समझ जाओगे। खैर, तो मतलब ये तो हो गई पहली कंडीशन ए।
अच्छा, और दूसरी कंडीशन भी लिख लेते हैं, और बी बी कंडीशन लिख लो, इट्स रिजल्ट को हाईलाइट कर लेना, रिजल्ट मतलब ब्रैकेट में प्रॉफिट और लॉस ब्रैकेट क्लोज, बाकी डैश डाल के लिख लेना, विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट। ये लाइन आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, तो अभी बस लिख के छोड़ देना, दिमाग मत लगाना, विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट, ठीक है? एरो डाल के लिख भी रहा हूँ, रेफर क्वेश्चन, ताकि जब बाद में रिवाइज करने बैठो तो ध्यान रखना कि ये लाइन क्वेश्चन में ही समझना, ऐसे मत समझना कभी ओरली, तो ये क्वेश्चन में ही छोड़ दो। तो इट्स रिजल्ट ब्रैकेट में प्रॉफिट और लॉस, बाकी क्राइटेरिया वही सेम, ग्रेटर इक्वल टू क्या, 10% हाँ 10% ऑफ कंबाइंड रिजल्ट्स, कंबाइंड रिजल्ट्स, बाकी इसके भी ब्रैकेट में या डैश डाल के लिख लेता हूँ, विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट, वो हम क्वेश्चन में ही समझेंगे, ठीक है ना? तो ये भी क्वेश्चन में ही समझेंगे कि ये क्या है, लेकिन हाँ मोटा मोटा क्राइटेरिया वही है 10% का, कि भाई अगर मेरा बिजनेस, अगर मेरा बर्गर से जो रिजल्ट है वो मेरे टोटल बिजनेस के रिजल्ट का 10% या उससे ज़्यादा है तो फिर मैं रिपोर्टेबल हूँ। और तीसरी कंडीशन लिख लेते हैं, और सी, और तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई हो जाए, ध्यान रखना, इसीलिए और लिखा है बीच में, मतलब अगर ए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तब भी आप रिपोर्टेबल हो, बी हो गई तब भी रिपोर्टेबल हो, सी हो गई तब भी रिपोर्टेबल हो, मतलब तीनों में से कोई भी हो गई आप रिपोर्टेबल हो। सी है एसेट्स को लेकर, इट्स एसेट्स, तो सेगमेंट के एसेट्स क्या है कंडीशन, वही ग्रेटर इक्वल टू 10% ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स। टोटल एसेट्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स, तो मतलब क्राइटेरिया तीनों में है 10% के, तो इसलिए याद करने में सिंपल है। तो मतलब सिंपल बिल्कुल भाषा में ऐसे कह सकते हो, रेवेन्यू अगर टोटल के 10% या उससे ज़्यादा है, रिजल्ट अगर टोटल के 10% या उससे ज़्यादा है, या एसेट्स अगर 10% के टोटल या उससे ज़्यादा है, तो आप रिपोर्टेबल सेगमेंट हो, नहीं तो फिर नहीं हो। अच्छा, इसमें एक स्टार पॉइंट लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, तो स्टार डाल के लिखना, इफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू अ रिपोर्टेबल सेगमेंट, एट्रीब्यूटेबल टू हटा देना, सॉरी, एट्रीब्यूटेबल टू रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट्स लेस देन 75% ऑफ द टोटल एंटरप्राइज रेवेन्यू कॉमा के बाद लिखते हैं ध्यान से, एडिशनल सेगमेंट्स शुड ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, एज रिपोर्टेबल सेगमेंट, बस इसमें हाईलाइट आप करना लेस देन 75% को,
ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो इंग्लिश पढ़ के तो समझ में आना मुश्किल है, लेकिन हम एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो बस आप ध्यान से सुनना। तो मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लेता हूँ कि ये मेरा एक पूरा एंटरप्राइज है कोई, ठीक है जी, और इस पूरे एंटरप्राइज का जो टोटल रेवेन्यू है वो ले लेता हूँ जी 100 रुपये है मान लो, ठीक है। अब इसके कुछ अलग अलग सेगमेंट बना लेता हूँ, ये मान लेते हैं इसके अलग अलग सेगमेंट्स हैं, ठीक है जी, ये इसके क्या हैं, अलग अलग सेगमेंट्स। अब कोई भी सेगमेंट रिपोर्टेबल है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, ऊपर की कंडीशनों से। वेरी गुड। तो मान लो जिन जिन को मैं येल्लो कर रहा हूँ, ऊपर की कंडीशनों से हमें पता लग गया कि भाई ये रिपोर्टेबल हैं, ठीक है। तो जिन जिन को मैंने येल्लो करा, इसका मतलब ये सेगमेंट्स कौन से सेगमेंट्स हैं, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं ऊपर की कंडीशनों से। यहाँ तक स्टोरी समझ आ रही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इन सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का इनसे पूछा कि भाई तुम ये बताओ कि तुम्हारी एक्सटर्नल रेवेन्यू कितनी है। एक्सटर्नल मतलब होता है, देखो पहले मैं रेवेन्यू दो तरह का समझा देता हूँ। कई बार तो ये सेगमेंट्स क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को भी सामान बेचते हैं, तो वो हो गया एक तरह से कैसा रेवेन्यू, इंटर सेगमेंट रेवेन्यू। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर कई बार दो सेगमेंट्स आपस में मिलकर मालिक को बेवकूफ़ बना देते हैं। मैं कहता हूँ मैंने 1 करोड़ की सेल करी, वो सेगमेंट कहते हैं मैंने भी 1 करोड़ की सेल करी, और बाद में पता चले तो दोनों आपस में एक दूसरे को बेच रहे थे। तो ऐसी आपको समझाने के लिए जोक की भाषा में सुना है, लेकिन इंटर सेगमेंट रेवेन्यू समझ गए कि क्या है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कौन से रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल, कि कस्टमरों को कितना बेचा है ना। तो मान लो इन सब लोगों ने जो कस्टमरों को सामान बेचा, एक्सटर्नल रेवेन्यू, वो सबका मैंने जोड़ा और वो आया 70 रुपये। इन सबका मैंने सारे रिपोर्टेबल सेगमेंटों का एक्सटर्नल रेवेन्यू जोड़ा तो कितने रुपए आया, 70 रुपए। यहाँ तक स्टोरी समझ आ रही है। अब इंग्लिश पढ़ो धीरे धीरे। इफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट्स लेस देन 75% ऑफ द टोटल एंटरप्राइज रेवेन्यू, पहले यहां तक समझ आया। तो मेरे इस एग्जांपल में एंटरप्राइज का टोटल रेवेन्यू कितना है, 100 रुपए, और सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है, 70। तो 75% से कम है, तो अब रेड कलर की लाइन पढ़ना क्या होगा। हाँ पढ़ ली रेड कलर की लाइन, एक बार बाकी भी पढ़ लो। तो रेड कलर की लाइन में लिखा है एडिशनल सेगमेंट्स शुड ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेबल। तो अब इस कंडीशन की वजह से ये जो बचे हुए सफेद गोले वाले सेगमेंट्स थे, हाँ ये भी अब रिपोर्टेबल बन जाएंगे। ओ माय गॉड, अरे लोग ये बच्चा कह रहा है क्यों, क्योंकि कानून में लिखा है मेरे दोस्त, ये कानून लिखवा रहा हूं, आपका भी रिकमेंडेशन भेज दूंगा ASB को, ठीक है, कि बच्चा कह रहा कानून में परिवर्तन करना है। तो क्यों, तो कुछ नहीं है, तो हम कानून पढ़ रहे हैं, लॉ में नो लॉजिक, ऐसा पहले दिन सिखाते हैं ना लॉ में, मतलब नो लॉजिक का मतलब कानून में हमें क्यों से क्या, हमें तो क्या से मतलब है लॉ में, हमें तो क्या से मतलब है ना, कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है, मतलब वो मेरे दायरे से तो बाहर है। बाकी आप चिट्ठी लिख दो ASB को कि भैया मैं चेंज करवाना चाहता हूँ, आप इस लिमिट को 75 की जगह प्लीज़ 55% कर दो, या आप हटा दो, तो वो आपकी बात मान लेंगे। बट आपको स्टोरी समझ आ गई जी, कि इस कंडीशन की वजह से या इस कानून की वजह से जो अब सफ़ेद गोले वाले भी बचे थे सेगमेंट्स, वो भी क्या बन जाएंगे, रिपोर्टेबल। तो ये डायग्राम आप चाहो तो बना लो, अगर लगता है आवश्यक है, और अगर आप होशियार हो, आपको लगता है पंडित जी की तरह कि सब याद रहेगा, तो फिर आपकी मर्जी है, तो छोटा सा बना लो, वैसे फ़ायदा है, बाद में रिवीजन में हेल्प करेगा। तो ये इस लाइन का ये मतलब है कि भाई, रिपीट कर देता हूँ, कि अगर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का एक्सटर्नल रेवेन्यू 75% ना हो पाया, तो फिर बाकियों को भी फिर रिपोर्टेबल बना देंगे, है ना। हालांकि इसका लॉ का लॉजिक भी है,
या मतलब इन सब बातों का लॉजिक भी होता है। इसका मतलब ये है कि जो पहले रिपोर्टेबल थे वो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि वो मिलके 75% रेवेन्यू ही नहीं जनरेट कर पा रहे, तो फिर इसका मतलब बाकी जने 25% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो फिर उनके बारे में बताना भी ज़रूरी हो गया। तो मतलब ये मतलब लॉजिक है, लेकिन आप लॉ याद रखना। तो अल्टीमेटली प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, एक मिनट के लिए ऊपर जा रहा हूँ, वो बस यहाँ से आता है। वो आपको सेगमेंट्स देगा खूब सारे और कहेगा चलो पहचानो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन कौन से हैं। तो हमें ऊपर की वो तीन कंडीशनें याद होनी चाहिए, है ना। बाकी ये वाली तो थ्योरी में पूछता है एमसीक्यू में, तो फिर ये वाली पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बना लो बस आप। तो अब हम मतलब एक बार बता देता हूँ, सेगमेंट समझ गए क्या है, रिपोर्टेबल सेगमेंट समझ गए क्या है, बिजनेस और ज्योग्राफिकल सेगमेंट तो डेफिनेशन हो गई, और पांच डेफिनेशन समझ गए और लिमिट समझ गए। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया सब बच्चों को, यहाँ तक कोई भी डाउट तो नहीं है। चलो, तो ये पहला सितारा हो गया, फिर दूसरा सितारा इसी के नीचे सेकंड स्टार। तो सेकंड स्टार में लिख लो ए सेगमेंट आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट इन द इमीडिएटली प्रिसीडिंग पीरियड इन द इमीडिएटली प्रिसीडिंग पीरियड बिकॉज इट सेटिस्फाइड द लिमिट्स शुड कॉन्टिन्यू टू बी रिपोर्टेबल सेगमेंट should continue to be reportable segment for the current period not withstanding that its revenue कॉमा रिजल्ट और एसेट्स आर नो लॉन्गर मीट द 10% लिमिट्स नो लॉन्गर मीट द 10% लिमिट्स। चलो, तो ये क्या हो गया सर? तो मान लो जी, आप किसी वित्तीय वर्ष में आप 10% लिमिट्स क्रॉस कर गए और आप क्या बन गए? रिपोर्टेबल सेगमेंट बन गए। हाँ, तो अगर आप किसी भी प्रीसीडिंग ईयर में, प्रीवियस ईयर में रिपोर्टेबल सेगमेंट थे, तो फिर अगले साल तो कम से कम आपको क्या ही मान लिया जाएगा? रिपोर्टेबल बाय डिफॉल्ट, चाहे लिमिट सेटिस्फाई हो या ना हो, ये लिखा है इंग्लिश में। तो एक साल तो कम से कम आप आगे तक और रिपोर्टेबल ही रहोगे। हाँ, उसके अगले साल फिर लिमिट के हिसाब से अगेन आपको कैटेगराइज करा जाएगा। तो मतलब ऐसा खेल नहीं हो सकता कि एक साल रिपोर्टेबल, फिर नॉट रिपोर्टेबल, फिर रिपोर्टेबल, फिर नॉट रिपोर्टेबल, ऐसा नहीं होगा। एक बार अगर आप रिपोर्टेबल बन गए तो अगले साल तो फिर माने ही माने जाओगे, चाहे लिमिट्स हो या ना हो। हाँ, उसके अगले साल फिर चेक हो जाएंगी। तो क्लियर हो गया? तो ये छोटा सा बना लो बस। चलो, बना लिया, समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो मेन काम तो हमारा AS में ख़त्म हो गया। बस आखिरी पॉइंट और है कॉन्सेप्चुअल, वो और लिख लेते हैं।
बस फिर सवालों पर चलेंगे, लेकिन हाँ सवाल के नज़रिए से मेन काम आपका ख़त्म हो गया। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, ऊपर से ही शुरू कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझ आ गया सेगमेंट दो टाइप के कौन से हो सकते हैं, बिजनेस और ज्योग्राफिकल, वो तो हो गई थ्योरी। पांच डेफिनेशंस हो गई फिर, सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट एक्सपेंस, उनमें क्या नहीं लेना ये याद रखना, सेगमेंट एसेट, सेगमेंट लाइबिलिटी और सेगमेंट रिजल्ट, ठीक है। और फिर सबसे मेन चीज़ ये सीख ली जो इस AS का मूल मंत्र है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन से होंगे। तो उसमें वो 10% वाली लिमिट है और एक वो 75% वाला क्लॉज है जिससे मित्र को झटका लगा था कि अरे ये कैसे हो गया, लेकिन वो भी है। और बाकी ये तो छोटा सा ही पॉइंट है कि एक साल रिपोर्टेबल रहोगे तो अगले साल भी मतलब बन जाओगे बाय डिफॉल्ट। तो लास्ट पॉइंट में सर क्या लिखना है हमें, लास्ट पॉइंट में हमें कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स लिखनी, वो थ्योरी के लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेकिन लिख लेते हैं। तो इसमें आप एक ऐसे हेडिंग डाल देना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स। हालांकि इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है जो मैं आपको करवाऊंगा, तो सीखोगे तो असली उसमें, लेकिन इसमें थ्योरी के लिए लिख रहे हैं बस। तो ये आप हेडिंग बना लो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स। तो इसमें आप पेज को बीचों बीच से हाफ कर लेना, पहले में लिखना प्राइमरी फॉर्मेट, दूसरे में लिखना सेकेंडरी फॉर्मेट। प्राइमरी फॉर्मेट और सेकेंडरी फॉर्मेट, चलो। तो ये है क्या सर, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी का क्या मतलब है जी? चलो तो पहले ये समझा देता हूँ, तो बड़े ध्यान से सुनना है आपको। मान लो मेरे पास बिजनेस सेगमेंट भी है और ज्योग्राफिकल सेगमेंट भी है ना जी भाई। अगर आप रिलायंस का भी एग्जांपल लो तो रिलायंस के बिजनेस सेगमेंट भी हैं, तेल हो गया, सिम हो गया, वो बिजनेस सेगमेंट है और वो इंडिया में भी है, दुबई में भी है और भी कहीं कहीं भी है, तो उनके ज्योग्राफिकल सेगमेंट भी हो गए। तो प्राइमरी किसे कहते हैं और सेकेंडरी किसे कहते हैं? तो ये अपने लगा दिया बीकॉम का ब्रांच अकाउंटिंग। अच्छा तो खैर ऐसा कुछ नहीं, तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, लेकिन इसका बस लॉजिक ये है कि अगर मेरे एंटरप्राइज में या मेरे को लगता है या मेरे हिसाब से मेरा मेन सेगमेंट बिजनेस है तो मैं बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी बोलूँगा। तो मेरे केस में जो ज्योग्राफिकल सेगमेंट होगा वो क्या कहलाया जाएगा? सेकेंडरी ऑटोमेटिकली। तो अगर मुझे लगता है कि मेरा बिजनेस सेगमेंट जो है वो प्राइमरी है, वो मेन है, तो ऑटोमेटिकली मेरे ज्योग्राफिकल सेगमेंट को क्या बोल देंगे? सेकेंडरी। और अगर उल्टा है, मान लो मुझे लगता है कि मेरे बिजनेस में तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स वो प्राइमरी हैं, तो मेरे ही केस में बिजनेस सेगमेंट को क्या बोल देंगे? सेकेंडरी। तो मतलब कोई हार्ड कोर परिभाषा या हार्ड कोर कोई लिमिट्स नहीं है। तो किसी भी एंटरप्राइज का बिजनेस सेगमेंट या ज्योग्राफिकल सेगमेंट प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है, लेकिन बस लॉजिक ये है अगर मेरा बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी है तो सेकेंडरी सेगमेंट ज्योग्राफिकल होगा, और अगर मेरा ज्योग्राफिकल सेगमेंट प्राइमरी है तो मेरा सेकेंडरी बिजनेस सेगमेंट होगा। तो बस ये मतलब है। एग्जाम्पल तो कोई भी हो सकता है, अब मुझे तो पता नहीं कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है, वो तो उनके ऑडिटर से पूछना पड़ेगा। तो रिलायंस का ऑडिटर कौन है? सर्च करना गूगल पे, चतुर्वेदीयन शाह होंगे शायद, 90% श्योर हूँ मैं। बाकी आप सर्च कर लेना जो भी होंगे उनके ऑडिटर, कल उनके दफ्तर जाओ और उनको बोलना भाई रिलायंस की सेगमेंट रिपोर्टिंग दिखाइए हमें, हमें चेक करना है कि आप
कौन से सेगमेंट को प्राइमरी फॉर्मेट डिस्क्लोजर्स पर बना रहे हो और कौन से सेगमेंट को सेकेंडरी फॉर्मेट डिस्क्लोजर्स पर बना रहे हो, ठीक है ना। ये आज का होमवर्क है, ठीक है, लिख लेना। तो खैर प्राइमरी फॉर्मेट में डिस्क्लोजर्स क्या हैं वो लिख लो आप। तो छोटे छोटे डिस्क्लोजर्स हैं थ्योरेटिकल। तो हमें क्या डिस्क्लोज करना है, हमें करना है सेगमेंट रेवेन्यू। सेगमेंट रेवेन्यू के नीचे दो बिंदी बना लेना, एक तो करना है एक्सटर्नल और एक करना है अदर सेगमेंट्स, यानी कि हम कस्टमरों को कितना बेच रहे हैं और दूसरे अपने ही सेगमेंट्स को कितना बेचते हैं। तो हमें हमेशा अपने रेवेन्यू को दो अलग अलग सब क्राइटेरियाज में शो करना है। एक्सटर्नल मतलब ग्राहकों को कितना बेचा और अदर सेगमेंट मतलब वही आपस में कितना बेचा। तो रेवेन्यू डिस्क्लोज करेंगे, बाकी तो सेगमेंट रिजल्ट वो तो खैर आ ही जाएगा। ये मैं इसकी एक रिपोर्ट बनवाऊंगा, अभी हम क्वेश्चन में करेंगे तो आप उसी से मेन सीखोगे। तो ये लिखने तो बस थ्योरी के लिए लिख रहे हैं, तो आप इसको ज़्यादा दिल पर मत लगाना। बाकी तीसरा कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट्स, सेगमेंट एसेट्स के कैरिंग अमाउंट क्या है। कैरिंग अमाउंट का मतलब बुक वैल्यू ही होता है कि हमारे एसेट्स के बुक वैल्यू क्या हैं, ये भी बताएंगे। टोटल अमाउंट ऑफ सेगमेंट लाइबिलिटीज, ये भी बताएंगे कि हमारी सेगमेंट की लाइबिलिटीज कितने की हैं, ये भी बताएंगे। टोटल एक्सपेंसेस, हमारे खर्चे कितने हैं, ये भी बताएंगे। और लास्ट में एनी अदर सिग्निफिकेंट आइटम, और भी मतलब अगर हमें कुछ लगती है ज़रूरत की चीज़ तो वो भी बताएंगे। तो मतलब इन नटशेल सब मुद्दे की बातें बताएंगे, और ये हमें हर सेगमेंट के लिए बताना है सॉरी। और इसी तरह सेकेंडरी फॉर्मेट में, मतलब प्राइमरी फॉर्मेट में तो ये बातें बताएंगे ही बताएंगे, ये तो हो ही जाएंगी, और सेकेंडरी फॉर्मेट में हम क्या बताएंगे वो भी लिख लो। सेगमेंट रेवेन्यू, सॉरी बाकी बिंदी डाल के लिख लेना, बेस्ड ऑन ज्योग्राफी, दूसरा कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट्स, ये भी बेस्ड ऑन ज्योग्राफी, तीसरा कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड टू एक्वायर सेगमेंट एसेट्स। तो इसमें तीन बातें हैं जो कवर की गई हैं मेनली, तो कि हमने सेगमेंट एसेट्स को एक्वायर करने के लिए कितना खर्चा करा वो भी बताएंगे। हाँ अशिका जी, वही मतलब है। हाँ बेस्ड ऑन ज्योग्राफी का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन में आएगा वैसे तो, लेकिन बेस्ड ऑन ज्योग्राफी का मतलब है कि इस बार मैं इंडिया में मान लो कितना कारोबार है रेवेन्यू, कनाडा में कितना है, यूएस में कितना है, इस हिसाब से बताऊंगा। तो ये सेकेंडरी फॉर्मेट के अंदर ज्योग्राफिकल बेस पर भी सेगमेंट रेवेन्यू को अलग अलग दिखाऊंगा। इसी तरह सेगमेंट एसेट्स बेस्ड ऑन ज्योग्राफी की, इंडिया में कितने एसेट्स हैं, कनाडा में कितने एसेट्स हैं या यूएस में कितने एसेट्स हैं। हाँ मतलब ये डिस्क्लोजर्स हैं, डिस्क्लोजर्स का मतलब है कि हम एक फॉर्मेट बनाते हैं, मतलब एक रिपोर्ट बनाते हैं, उस रिपोर्ट में हम क्या करते हैं। प्राइमरी फॉर्मेट का मतलब ये हो गया कि ये एक तरह से मान लो हमारा मेन फॉर्मेट है जिस पर अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो उस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। हमारे जितने भी सेगमेंट्स होंगे
हम उन सेगमेंट का रेवेन्यू बताएंगे, उस रेवेन्यू के अंदर का ब्रेकअप दिखाएंगे कि कस्टमरों को कितना बेचा और इंटरनल आपस में कितना बेचा। वो क्वेश्चन बताता है हमें, क्वेश्चन बताता है, हाँ वो तो क्वेश्चन हमें बताता है ना। और अगर ना भी बताए तो हम बाय डिफॉल्ट जो मान लेते हैं तो हम बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी मान लेते हैं, ज्योग्राफिकल सेगमेंट को सेकेंडरी मान लेते हैं, अगर क्वेश्चन ना बताए तो वैसे बताएगा। ठीक है, समझ गए कि भाई क्या है, ये डिस्क्लोजर्स हैं बेसिकली कि हमें क्या क्या चीज़ें बतानी है अपनी रिपोर्ट में। तो ये सब चीज़ें भी बतानी है प्राइमरीली प्राइमरी फॉर्मेट में, और वो सब चीज़ें भी बतानी है सेकेंडरी फॉर्मेट में। तो इसको तो आप लाइन लगा लो, और इसके नीचे लिखना है अदर डिस्क्लोजर्स, और भी कुछ डिस्क्लोजर्स हो सकते हैं, मतलब ये तो है ही हैं लेकिन और भी कुछ डिस्क्लोजर्स हो सकते हैं, तो वो और लिखवा देते हैं जी, अदर डिस्क्लोजर्स। तो वो छोटे से हैं, वो आपको समझ आ जाएंगे। जैसे पहला लिख लो बिंदी डाल के, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। मान लो अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज हुआ, इफ एनी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो वो बताएंगे। दूसरा, प्राइसिंग ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांसफर ऑन व्हाट बेसिस, ये बताना पड़ेगा। सर ये क्या है बताओ, ये क्या है भाइयों बहनों? अब मैंने आपको बर्गर दिया, हाँ सस्ता दूंगा या महंगा दूंगा वो तो मेरी मर्जी है, लेकिन जिस पर भी दूंगा उसका बेसिस क्या था ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो मान लो आप और मैं दोनों सेगमेंट सेगमेंट हैं, तो मैंने आपको कुछ दिया 10 रुपए का, तो क्यों दिया 10 रुपए का, ये बात डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, समझ गए? प्राइसिंग ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांसफर ऑन व्हाट बेसिस। और क्या डिस्क्लोजर है जी? तीसरा, एनी चेंज इन अबव 0.2, वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देखो, एनी चेंज इन अबव 0.2, मान लो पहले मैं 10 रुपए का देता था, अब 5 रुपए का दिया, तो ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई मैं पहले 10 का देता था, अब 5 का दे रहा हूं, चेंज कर दिया, तो वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और बाकी तो एनी अदर सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, और भी कोई उचित जानकारी अगर है तो देनी पड़ेगी। तो मतलब हर एएस में आप देखोगे, हर एएस में लास्ट में ये पॉइंट ज़रूर होते हैं, मतलब डिस्क्लोजर के पॉइंट ज़रूर होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मूल उद्देश्य ये है कि यूज़र को हमें सब कुछ बताना है। तो इस एएस में भी एंड इसी बात पर होता है कि भाई आपको मतलब जो भी डिस्क्लोजर्स हैं वो तो देने ही हैं, और अगर इस तरह के भी हैं तो ये भी देने हैं। तो क्लियर हो गया? हाँ, सेगमेंट की, बिल्कुल। चलो तो इसको आप क्लोज कर सकते हो ऐसे, और दो लंबी गहरी सांसें लेकर कैलकुलेटर निकाल लो, क्योंकि अब जो सवाल करेंगे हम बहुत सारे, तो वो आपकी सांसें सुखा देंगे। आइए जी, तो पहले कुछ वार्म अप क्वेश्चंस कर लेते हैं, छोटे से एमसीक्यू हैं। तो एज पर एएस 17 रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आर दोज हुज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द एक्सटर्नल सेल्स एंड इंटर सेगमेंट सेल्स इज, बताइए रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सा होता है जिसका रेवेन्यू क्या हो, ए यानी कि 10% और मोर ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट्स, यही लिखवाया था, ठीक है? तो बस आप लिख लो ए।
उसके बाद सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या सही है? तो पढ़ो अपने आप, बड़ी अंग्रेजी है, मैं तो नहीं पढ़ रहा। मैनेजमेंट हैज़ अ डिस्क्रिशन टू इंक्लूड ए सेगमेंट एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इवन इफ इट पासिस द 10% मटेरियलिटी टेस्ट। मैनेजमेंट हैज़ अ डिस्क्रिशन टू इंक्लूड एनी सेगमेंट, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द मैनेजमेंट। अच्छा सी, क्यों मैंडेटरी होगा? बिल्कुल सही, हाँ, क्योंकि AS की रिक्वायरमेंट है। तो अगर कोई भी सेगमेंट 10% के थ्रेशहोल्ड को क्लियर कर रहा है तो मैनेजमेंट उसको रिपोर्टेबल बनाएगा, वो मैंडेटरी हो गया। उसके बाद 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये भी आप ही पढ़ो, क्या सही है? द ओवरऑल ए, वेरी गुड, शाबाश। तो ये बताओ कहाँ से पता चल रहा है ए वाला पॉइंट, जो हमने वो 3 लिमिट्स के नीचे जो स्टार बनाया था, हाँ, तो उसमें हम सिर्फ कौन सा रेवेन्यू ले रहे थे? एक्सटर्नल, ठीक है, तो ये वो स्टार पॉइंट है। उसके बाद 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पढ़ लेते हैं, 10% बहुत नहीं, बी क्यों, ए ही सही है। 10% वाली लिमिट्स में तो हम इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही रेवेन्यू लेते हैं ना, देखो उसमें लिखवाया था 10% मतलब ऑफ एक्सटर्नल सेल एंड इंटरनल ट्रांसफर लिखा है ना, तो 10% वाली लिमिट्स में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों लेने, 75% वाली वो वाले स्टार वाले पॉइंट में सिर्फ एक्सटर्नल लेने, समझ गए ना? तो वो बस ध्यान से, वो बारीकी से वो लॉ ध्यान रखना है। उसके बाद 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये तो आप ही पढ़ो, बड़ी बड़ी अंग्रेजी है इसमें तो, कि क्या सही है? चलो सी, वैसे समझ नहीं आया होगा मुझे पता है, लेकिन आपने हाँ ये इससे समझा होगा, विच एवर इज हायर इन एब्सोल्यूट अमाउंट, हाँ ठीक है, तो अभी आपका काम यही था, ठीक है, बिल्कुल सही समझा, ठीक है। तो इसको हम अभी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने छोड़ भी दिया था ना कि ये मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, बट यही है वैसे आंसर, है ना? तो वो जो आपको लिखवाया था, विच एवर इज हायर इन एब्सोल्यूट अमाउंट्स, बाकी 10% का टेस्ट तो खैर है ही, ठीक। चलो तो अब आप कुछ क्वेश्चंस मेरे साथ करोगे, तो आप हेडिंग डाल लेना, वो इसमें संख्या में 1 क्वेश्चन नहीं है, तो 1 आप ऐसे ही लिख लो, 2+2 इज इक्वल टू, बताओ पंडित जी कितना? 5 लिख लो, ठीक नहीं, 5 सही है, ठीक है। तो वो संख्या में 1 गायब था, तो 1 क्वेश्चन को हमने ये वाला बना लिया। उसके बाद 2 आपको होमवर्क में दूंगा, 3 होमवर्क में दूंगा, 4 होमवर्क में दूंगा, 5 होमवर्क में दूंगा, 6 होमवर्क में दूंगा, तो अब आप आ जाओ 7 पर मेरे साथ। आज तो खूब सारा होमवर्क मिलेगा, छुट्टी भी है आपकी 2 दिन की, चलो आओ 7 करते हैं। हाँ अब तो सीधा मंगलवार को मुलाकात करोगे ना मेरे साथ, 2 दिन की छुट्टी में समर वैकेशन में समर हॉलीडे होमवर्क भी तो मिलेगा, चलो बट कोई नहीं, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तो वो आप करना मेरे साथ, चलो ठीक है। तो पहले 7th करते हैं। एन लिमिटेड हैज़ 3 सेगमेंट्स नेमली PQ and R, ठीक है। तो थोड़ी सी बस ड्राइंग बना रहा हूँ ऐसे ही, आप मत बनाना चाहें। तो एक कंपनी के 3 सेगमेंट्स हैं PQ R। द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर 15 करोड़, ठीक है। तो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो 15 करोड़ के हैं, सेगमेंट P के हैं 4 करोड़ के, सेगमेंट Q के हैं 6 करोड़ के, एंड सेगमेंट R के हैं 5 करोड़ के। तो एक बार आप टोटल टैली कर लो, 6 और 4 10 और 5 15 हो गया, ठीक है।
अब वो कह रहा है इसमें डेफर्ड टैक्स एसेट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ ईच सेगमेंट्स आर पी 1 करोड़, पी में 1 करोड़ के डेफर्ड टैक्स एसेट है, तो बताओ पंडित जी क्या बताया था, इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यू में 0.9, तो इंक्लूड नहीं करेंगे, 5.1 हो जाएगा, ठीक है। और आर में कह रहा है 0.8 करोड़ के हैं, तो 0.8 करोड़ के हैं तो मतलब 4.2। तो आपको बस इस क्वेश्चन में वो छोटा सा पॉइंट सिखाने के लिए, मतलब एक क्वेश्चन बनाया गया था बेसिकली कि हम सेगमेंट एसेट्स में क्या नहीं कंसिडर करते, टैक्स वाले एसेट, ठीक है। तो अब सेगमेंट के एसेट्स कितने माने जाएंगे, पी का 3 करोड़, क्यू का 5.1 करोड़ और आर का 4.2 करोड़। तो आप कैलकुलेटर पर इन तीनों को जोड़ो, 12.3 करोड़। अब 10% इसकी लिमिट निकालो कैलकुलेटर पर, 1.23 करोड़। तो किसी भी सेगमेंट के एसेट्स अगर 1.23 करोड़ से ज़्यादा होंगे, मतलब तो वो रिपोर्टेबल होगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, द अकाउंटेंट कंटेंट्स ऑल दीज 3 सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कमेंट। तो अकाउंटेंट कह रहा है कि सारे ही सेगमेंट्स रिपोर्टेबल सेगमेंट है, तो कह रहा है टिप्पणी करें, सही बात है। तो सही बात है कि 5 नंबर नहीं मिलेंगे बात तो सही है, लेकिन मतलब आप वो कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी जो हमने करी। बट समझ आ गया, सब बच्चों को क्लियर हो गया, किसी को भी डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो आप आंसर मतलब लिख लो बस छोटा सा, मतलब ये कैलकुलेशन आप दिखा लेना, हालांकि वो तो आपने कर लिया कैलकुलेटर पे, तो मैं तब तक अंग्रेजी लिख लेता हूँ कि भाई ऑल द सेगमेंट्स पी कॉमा क्यू कॉमा आर आर रिपोर्टेबल। तो बिल्कुल सही बात है, तो तीनों ही सेगमेंट्स जो हैं वो रिपोर्टेबल हैं सॉरी, क्योंकि पी के एसेट्स भी 10% से ज़्यादा हैं, क्यू के एसेट्स भी 10% से ज़्यादा हैं और आर के एसेट्स भी 10% से ज़्यादा हैं। तो खैर ये एग्ज़ाम में देखो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो अब मैडम कहेंगी सर बस 5 नंबर के लिए इतना ईजी, तो इसका जवाब मैंने आपको दे दिया था पहले। तो जो बच्चा पढ़ के नहीं जाता वो फिर उसके 5 नंबर उड़ जाएंगे। तो क्वेश्चन जो है वो आपको ऐसे ही मिलेंगे, बस आपको रूल याद रखना है। तो क्लियर हो गया सबको ये वाला क्वेश्चन? तो चलो, तो ये तो हो गया एक, अब अगला करते हैं। अगले में भी आप कैलकुलेटर अपना तैयार रखना। हाँ, इसमें 5 नंबर में इतना ही लिखना है, नहीं वो तो अच्छा, अब हर क्लास में वही सिखाऊंगा भाई, शुरू की अंग्रेजी तो हाँ, अब रोज ही बच्चा वही पूछता रहेगा हाँ कि कैसे लिखना है, वो एक बार सिखा दिया। अब देखो मेरा काम था मछली पकड़ते कैसे ये सिखाना, अब मैं तुम सोचो मैं रोज मछली पकड़ के लाऊं तुम्हें खिलाऊं, वो मैं नहीं करूँगा। मैंने एक दिन सिखा दिया कि कैसे आंसर लिखना है, राइट। तो अब आपको अपने आप करना है वो। तो पहले स्टार्टिंग में क्या लिखना है, चलो तुमने पूछा तो रिपीट करवा रहा हूँ, पहले आपको लिखना है कि AS17 क्या कह रहा है। तो वो तो आप लिख दोगे कि AS17 में ये कंडीशन है, ठीक है, बस उसके नीचे कैलकुलेशन आ जाएगी और उसके नीचे ये वाला कंक्लूजन आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया भाइयों बहनों, समझ गए पंडित जी? चलो तो कैलकुलेटर तैयार रखो, बिल्कुल चीते की स्पीड पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम। चलो जी, तो 10 करते हैं। एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज़ 5 बिजनेस सेगमेंट्स, ठीक है। तो इस कंपनी के 5 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच सेगमेंट फॉर द ईयर एंडेड हैव बीन प्रोवाइडेड बिलो। तो आपको प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं 5ों ही सेगमेंट के। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग वेदर द रिपोर्टेबल सेगमेंट और नॉट रिपोर्टेबल सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट, ठीक है, एज पर AS17।
चलो ठीक है जी। तो देखो आपको ए सेगमेंट दे रखा है, उसने प्रॉफिट कमाया है 2.25 का। बी सेगमेंट दे रखा है, उसने प्रॉफिट कमाया है 25 रुपये का। सी सेगमेंट दे रखा है, उसने लॉस कमाया है 175 का। और डी ने लॉस कमाया है 20 रुपये का। और ई ने लॉस कमाया है 105 रुपये का। ठीक है जी, ठीक है। तो अब आपने कैलकुलेटर पे क्या बटन दबाया, अभी तो मैंने कुछ सिखाया ही नहीं, तो अब करें कि कैसे करना है। चलो तो अब इसमें देखो क्या करते हैं, हम बड़े ध्यान से सुनना। अब ऐसा देखो हो सकता है मैथमेटिकली कि आप पांचों को जोड़कर ये देख लो कि टोटल एंटरप्राइज का क्या हुआ है। तो कितना आ रहा था, -50। ठीक है ना। अच्छा इसमें तो -50 आ रहा है, लेकिन ऐसी भी फिगर्स हो सकती हैं कि जीरो आ जाए, है ना। ऐसा हो सकता है, मान लो दो सेगमेंट में प्रॉफिट हो, तीन में लॉस हो, लेकिन टोटल करा जीरो आ जाए। तो इस प्रॉफिट और लॉस वाले टेस्ट में हम कभी भी ये टोटल से काम नहीं करते, नहीं तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। अगर मान लो जीरो आ गया, फिर तो आप कह दोगे थ्रेशोल्ड भी जीरो है, लिमिट भी जीरो हो गई फिर। तो कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट को इस टोटल से नहीं करते। इसीलिए अब वो जो अंग्रेजी लिखवाई थी उसका यूज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम प्रॉफिट्स को अलग जोड़ते हैं। प्रॉफिट्स कितने हैं, 250, इसीलिए मैंने उन्हें येल्लो करा था। हम लॉस को अलग जोड़ते हैं। लॉस कितने हैं, 300। तो हमारा एएस ये कहता है कि भैया प्रॉफिट और लॉस को अलग अलग जोड़िए, और थ्रेशोल्ड लिमिट निकालने के लिए विच एवर इज हायर, नहीं हायर लिखवाया था, हाँ। तो हमें इन दोनों में से जो हायर होता है उसे सेलेक्ट करना होता है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट निकालने के लिए हम जो टोटल मानेंगे वो क्या मानेंगे, 300। तो ये एब्सोल्यूट अमाउंट माना जाएगा। ये था उस अंग्रेजी का रेलिवेंस। तो देख लो भाइयों बहनों, आप अपने मन को संतुष्ट करना, तब आगे बढ़ूंगा। हाँ लॉस है, लेकिन अमाउंट तो एब्सोल्यूट है ना। एब्सोल्यूट अमाउंट का मतलब क्या होता है कि हम इसमें ये नहीं देखते कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। हाँ साइंस इग्नोर करते हैं, बिल्कुल सही, गणित की परिभाषा में। तो हमें तो क्या दे लेना है, एब्सोल्यूट अमाउंट विच एवर इज हायर। तो हम लिमिट निकालने के लिए टोटल अमाउंट को क्या लेकर अब काम करेंगे क्वेश्चन में, 300। तो 300 टोटल बन गया, ठीक है। तो वो चेक कर लेते हैं पहले। तो पहले 10% लिमिट कितनी बन गई, 30 लाख बन गई। तो अब आपको हर सेगमेंट को 30 लाख के हिसाब से चेक करना है। तो ए रिपोर्टेबल है क्योंकि इसका 30 से ज्यादा है अमाउंट। बी रिपोर्टेबल है, नहीं है क्योंकि इसका अमाउंट 30 से कम है। ठीक है पंडित जी, समझ आ रहा है। सी रिपोर्टेबल है। अब इसमें हमें साइन इग्नोर करने, 175 ही लेना है, तो ये भी 30 से ज्यादा है, तो ये भी रिपोर्टेबल है। डी रिपोर्टेबल है, नहीं है क्योंकि उसका अमाउंट 20 है और लिमिट है 30, तो ये भी रिपोर्टेबल नहीं है। और ई रिपोर्टेबल है क्योंकि लिमिट है 30 की और इसका अमाउंट है 105। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलो तो बस आप ब्रीफ में ऐसी नोट कर लेना, ये वाला पोर्शन नोट कर लेना, ये बादल बना रहा हूँ। ठीक है, अब पंडित जी बताओ एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है प्रेजेंट, ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है। तो एग्ज़ाम में तो समझ गए ना कैसे करना है, पहले AS17 की लिमिट लिखनी है, फिर आप अपनी कैलकुलेशन जो है वो दिखा दोगे। तो ए रिपोर्टेबल है, बी नहीं है, सी है, डी नहीं है और ई है। ठीक है, तो ये दिखा देंगे बस हम। चलो करें अगला सवाल, समझ गए। तो वो भी कैलकुलेटर अपना बस तैयार रखो। क्वेश्चन 11,
ये भी इसी की तरह है. एबीसी लिमिटेड हैज फाइव सेगमेंट्स. एबीसी लिमिटेड के पांच सेगमेंट्स हैं. ठीक है, चलो. तो बच्चों ने बटन दबाने शुरू कर दिए, तो दबाओ बटन तेजी से. वही इसमें कहानी है, प्रॉफिट. ठीक है, निकाल लिया एक मित्र ने. तो पहले प्रॉफिट की एब्सोल्यूट फिगर जोड़ लेते हैं जी. 8280 येलो वाली. 8280 और लॉस की एब्सोल्यूट 6800. तो आपको इन दोनों में से कौन सा चूज करना है टोटल के लिए? जो भी हायर है. वेरी गुड. तो सबको अब क्लियर हो गया कैसे चलेगा रूल 8280. अब आप लिमिट निकाल लो. देयर फोर 10% लिमिट 828. तो अब आपको बस 828 की फिगर को अपना पकड़ के यस या नो निकाल लें. तो 828 से कम है तो ए तो नो हो गया, बी यस मतलब रिपोर्टेबल, सी बी रिपोर्टेबल, डी बी रिपोर्टेबल और ई बी रिपोर्टेबल. चलो तो मुबारक हो, पांच नंबर आ गए बच्चों आपके सी ए इंटर में. बस 95 तो ले ही आओगे बाकी. ठीक है तो भाई ओके हो गया, समझ आया है क्वेश्चन? चलो ठीक है. चलो अब ट्वेल्थ कर लेते हैं. तो ट्वेल्थ पर आप सी का सिंबल बना लो, मतलब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. तो जब बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट ऑफ रिवीजन पे हो तो बस खाली एक ये क्वेश्चन कर जाना, तो मतलब आपका फिर ऊपर के करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. चलो तो ये पढ़ रहा हूँ, फिर आपको दूंगा, फिर 7 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको करने के लिए. बाकी क्वेश्चन ये है कि इसमें हैवी गुड्स लिमिटेड जो है उसके 6 सेगमेंट्स हैं. इसमें रेवेन्यू भी दे रखा है, प्रॉफिट्स भी दे रखे हैं और एसेट्स भी दे रखे हैं तीनों के. तो मतलब मज़ा आ गया. इसमें आपको अब रेवेन्यू टेस्ट भी लगाना है, इसमें आपको प्रॉफिट वाला टेस्ट भी लगाना है और इसमें आपको एसेट वाला टेस्ट भी लगाना है. मतलब इस बार 3 टेस्ट्स लगेंगे. ठीक है पंडित जी. और फिर तीनों टेस्टों के हिसाब से भाई आपको बताना है कि कौन रिपोर्टेबल है कौन नहीं. तो समझ गए, मतलब ट्राई करोगे पहले. चलो तो पहले 7 मिनट्स आपको मिलेंगे, फिर मैं भी आपसे पूछकर आपके साथ ज्वाइन कर लूँगा. चलो तो मेरा भी मन कर रहा है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं रेवेन्यू वाला पहले टेस्ट कर लेता हूँ, सेल वाला. ठीक है तो भाइयों बहनों पहले मैं सेल वाला रेवेन्यू वाला टेस्ट कर रहा हूँ. अच्छा चलो चेक कर लेंगे. तो पहले मैं रेवेन्यू निकाल रहा हूँ जी. एल का रेवेन्यू निकाला आपने, कितना है एल का रेवेन्यू? 61. अच्छा 16,500 यही आ रहा है एल का. ठीक है उसके बाद एम का 11,250, एन का 4,500, ओ का 5,250, पी का 6,000, क्यू का 2,250. ठीक है और टोटल रेवेन्यू 4,570. ठीक है यहाँ तक ओके. तो टोटल रेवेन्यू है 45750. तो मैं इधर लिख लेता हूँ 10% लिमिट. पहले रेवेन्यू के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से जो आएगी वो आ गई 4,575. तो 4,575 वाली लिमिट के हिसाब से तो कौन कौन रिपोर्टेबल है, येलो कलर कर देता हूँ. एल एम एन नहीं है, है ना? ठीक है, ओ भी हो गया और पी भी हो गया. तो रेवेन्यू टेस्ट में भाइयों बहनों आपका यही आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. तो 4,575 से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ एल का है, एम का है, ओ का है और पी का है. अब एसेट टेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि वो आसान है. टोटल एसेट्स तो दे ही रखे हैं सारे सेगमेंट्स के.
और टोटल है 1,02,750। तो एसेट वाली लिमिट तो बहुत ही सिंपल है, 10% कितनी हो गई, ठीक है, मतलब 10,275 है ना, ये तो आ गई लिमिट। तो 10,275 से ज़्यादा कौन कौन है, एल हो गया, एम हो गया, एन भी नहीं है, ओ भी नहीं है, पी भी नहीं है और क्यू भी नहीं है। अच्छा हाँ, ओ अरे मैं वो फिगर है, ठीक है ठीक है, एल भी हो गया, एम भी हो गया, एन भी हो गया, अच्छा ओ भी हो गया और पी भी हो गया, ठीक है बस क्यों नहीं है। ठीक है भाइयों बहनों, ठीक है, अब प्रॉफिट में निकालने के लिए आपको वो करना पड़ेगा जो आपने पिछले दो सवालों में करा था, ठीक है कर लेता हूँ। चाहे तो पहले हम प्रॉफिट्स देखते हैं, ठीक है तो खाली प्रॉफिट प्रॉफिट की फिगर है, ठीक है लॉस में दिख ही रहा है कि सिर्फ 2250 है तो वो कम ही रहेगा, ठीक है तो आपने प्रॉफिट्स की फिगर ले ली एब्सोल्यूट 6000, तो 6000 का 10% लिमिट, ठीक है 600, तो 600 से आपका मतलब प्रॉफिट सभी का ही बड़ा है, एल एम एन ओ पी क्यू, तो प्रॉफिट वाले टेस्ट में मतलब 6 के 6 ही रिपोर्टेबल बन गए। अच्छा लेकिन हमें एग्जाम में तीनों ही दिखाने, हाँ तो मतलब हम कॉन्क्लूजन जो है वो ऐसे दिखा सकते हैं कि रेवेन्यू वाले टेस्ट के हिसाब से एल एम ओ पी रिपोर्टेबल है, प्रॉफिट वाले टेस्ट के हिसाब से सारे रिपोर्टेबल हैं और एसेट वाले टेस्ट के हिसाब से एल एम एन ओ पी रिपोर्टेबल है। कैसे प्रेजेंट करना है इसको, तो इसको हम ऐसे एक लिमिट में करवा देता हूँ, वैसे आप कर सकते हो, वैसे तो बहुत ही सिंपल है। हाँ तो जैसे इसका अगर आपको फॉर्मेट बनाना है तो अंग्रेजी तो आप लिख ही लोगे, ठीक है तो जैसे कोई भी टेस्ट बोल दो, जैसे कौन सा टेस्ट करना है आपको, तो आप सारे सेगमेंट का नाम लिख लेना एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है ऐसे लिख लेना, मान लो मैं उससे समझा देता हूँ, एसेट वाले टेस्ट से समझा देता हूँ, फिर सारे एसेट जो गिवन है वो लिख लेना, फिर टोटल एसेट आ गया वो लिख लेना, फिर अगले कॉलम में बना लेना 10% लिमिट। अब वो 10% लिमिट का क्या अमाउंट था एसेट वाले में, 10,275, तो उसको हेडिंग में चिपका देंगे 10,275 बस, फिर जो भी उस लिमिट या उसके बराबर आ रहा होगा उसके आगे लिख लेना रिपोर्टेबल, है ना रिपोर्टेबल रिपोर्टेबल, जो नहीं आ रहा होगा तो मतलब कौन नहीं आ रहा था, एल एम एन ओ पी है ना, तो रिपोर्टेबल रिपोर्टेबल, क्यू के आगे लिख लेना नॉन रिपोर्टेबल, बस ऐसी रेवेन्यू टेस्ट का हो जाएगा, ऐसी प्रॉफिट टेस्ट का हो जाएगा, ठीक है बट क्लियर हो गया सबको लिमिट्स, कोई भी दिक्कत तो नहीं। चलो जी अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर आपको बनाना है सी का सिंबल और इसमें लिखना है 100%। ये मतलब एक और आखिरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है हमें, तो 100% का क्या मतलब, तो फिर तो 90% लिखवा था, हाँ तो ये क्वेश्चन आपको 100% करके जाना है, ये छोड़ना नहीं है एग्जाम में एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले। चलो तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो खैर है जी, कैलकुलेट द सेगमेंट रिजल्ट्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और बाकी इसमें हमें एक रिपोर्ट बनानी है बेसिकली, ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बाकी फिर बनवाता हूँ इसकी रिपोर्ट, है ना, उसको कह उसको इस तरह से देता है क्वेश्चन कि आपको सेगमेंट के रिजल्ट्स कैलकुलेट करने हैं, है ना, तो एक बार दिखा रहा हूँ बस, पहले एक आइडिया ले लो।
जैसे इसमें तीन सेगमेंट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है, सेगमेंट ए बी सी है ना, नजर आया सेगमेंट ए बी सी। अब वो कह रहा है सबसे पहले डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू, तो इसका मतलब ये क्या दे दिया, तीनों ही सेगमेंट का रेवेन्यू दे दिया। फिर लिखा है एंटरप्राइज रेवेन्यू एलोकेटेड इन 5:4:2 बेसिस। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ये समझा देता हूँ। एंटरप्राइज रेवेन्यू का मतलब होता है कि ये पूरे बिजनेस का रेवेन्यू है ना, तभी आप देख रहे हो कि उसने आगे ब्लैंक छोड़ रखे हैं, किसी भी सेगमेंट के आगे कुछ नहीं लिख रखा, और उसने सीधा टोटल में दे रखा है कितने रुपए, 1,10,000। लेकिन अब ये रेवेन्यू किस सेगमेंट को कितना एलोकेट होगा, वो हमेशा हमें एक रेशो देता है, कितना दे रखा है, 5:4:2, राइट। तो आप इससे खुद निकाल सकते हो कि ए सेगमेंट पर इसका मतलब मैं 50,000 लगा दूंगा, बी पर 40 लगा दूंगा और सी पर 20 लगा दूंगा। तो क्लियर हो गया। उसके बाद आ गया जी रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद अदर सेगमेंट्स। अब देखो ये वो रेवेन्यू है जो इन्होंने आपस में एक दूसरे को बेच के कमाया है। तो जैसे वो हेडिंग्स हो गई, ट्रांजैक्शन फ्रॉम बी, ट्रांजैक्शन फ्रॉम सी, ट्रांजैक्शन फ्रॉम ए। तो इसका मतलब ये तीनों चीज़ें क्या हैं, एक तरह से इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, कि भाई ए ने बी को बेचा होगा या बी ने सी को या सी ने ए को, जो भी। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन। समझ आ रहा है क्वेश्चन का जो वो चल रहा है फ्लो, ठीक है। अब उसके नीचे एक ऐसी लाइन लगा रहा हूँ दिखाने के लिए बस। अब आ गए जी खर्चे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो तीनों सेगमेंट के अपने अपने आ गए। अगला पढ़ो एंटरप्राइज एक्सपेंसेस। अब इसमें भी राइट, तो वो उसने सेगमेंट्स के कॉलम खाली छोड़ रखे हैं, टोटल बता रखा है, लेकिन वो रेशो जरूर देता है 5:4:2, तो वो आप निकाल लोगे 35, 28 और 14। ठीक है भाइयों बहनों, यहाँ तक ओके हो गया। फिर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांजैक्शन विद अदर सेगमेंट, इसका मतलब ये कौन से खर्चे हो गए, इंटर सेगमेंट एक्सपेंसेस, मतलब अदर खर्चे जो इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ करे। तो मतलब ऐसे देखो इसको, ऐसे इमेजिन करो, जो ये ऊपर का जितना रेड पोर्शन मैंने बनाया है ये पूरा रेवेन्यू है, और ये जो नीचे का हरा पोर्शन है ये पूरे एक्सपेंसेस है। तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। चलो तो बना लेते हैं रिपोर्ट, तो वो आप मेरे साथ बना लो, आ जाओ, हाँ कॉपी में। तो लिखो सॉल्यूशन 13, क्योंकि तो एक स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है, तो सुंदर सुंदर बनाना। इसका आप नाम लिख लो कैलकुलेशन ऑफ सेगमेंट रिजल्ट, कैलकुलेशन ऑफ सेगमेंट रिजल्ट, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स और फिर चार कॉलम बना लेना जैसे उसने दिए, ए बी सी और टोटल। ठीक है, बाकी कितना बड़ा बनेगा वो देख लेंगे आगे। लगभग मेरे ख्याल से 12-15 लाइनों का तो बनेगा ही बनेगा। तो बिल्कुल उसी ऑर्डर में बनाना है जिस ऑर्डर में उन्होंने दे रखा है, क्योंकि वो सही ऑर्डर है। ऊपर रेवेन्यू लिखेंगे, नीचे एक्सपेंस लिखेंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखें फिर। चलो तो मैं लिखते रहता हूँ, आप मेरे साथ चेपते रहो। तो पहला लिख लो डायरेक्टली, हाँ, एट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू। तो ये कितना दे रखा था आपको जी,
5 लाख, 3 लाख और 1 लाख, टोटल दे रखा था जी 9 लाख। ठीक है, वहीं से चेपना है बस आपको सवाल से, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू। उसके बाद दूसरा दे रखा था एंटरप्राइज रेवेन्यू, बाकी ब्रैकेट में रेशियो लिख लो, वो भी दे रखा था 5:4:2। तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया था, वो कितना आया था 50,000, 40 और 20, टोटल गिवन था 1,10,000। और तीसरा रेवेन्यू कौन सा था, इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, उसमें था फ्रॉम बी, फ्रॉम सी, फ्रॉम ए। तो वो भी आप देख लो कितना कितना था, 1,00,000 और 50,000, टोटल आ गया 1,50,000। फ्रॉम सी था 10,000 और 50,000, टोटल आ गया 60,000। फ्रॉम ए था 25,000 और 1,00,000, टोटल आ गया 125,000। ठीक है पंडित जी, कोई दिक्कत तो नहीं, मजा आ रहा है चेपने में? तो वो उसने दिए थे ना एक्सपेंस में, तो इसलिए हमें दिमाग लगाना ही नहीं है। इस कंपनी के मुंशी खुद सब करके बैठे हैं, तो इन तीनों को जोड़ लो जी, तो आपका पहला वो डेफिनेशन में जो पॉइंट था वो आ जाएगा, टोटल सेगमेंट रेवेन्यू। तो वो आप जोड़ लो और मुझे भी बता दो, या मैं जोड़ लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। तो ए का आ रहा है जी 6,60,000, बी का आ रहा है 4,15,000, सी का आ रहा है 2,70,000 और टोटल हो गया 13,45,000। ठीक है, तो बट समझ आ गया आपको कि फ्लो क्या है, रेवेन्यू। तो ये सारे रेवेन्यू आ गए। अब इसी को बस कंटिन्यू करते रहते हैं। हम नीचे खर्चे की लिस्ट लिख लेते हैं जो उसने दे रखे थे। सबसे पहले दे रखा था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, थ्री लाख, 1,50,000 और 75,000, टोटल आ गया 525,000। दूसरे उसने दे रखे थे एंटरप्राइज एक्सपेंसेस, उसके ब्रैकेट में आप रेशियो लिख लो क्योंकि उसने रेशियो दिया था 5:4:2, वो हमने बांट के निकाल ही लिया था 35, 28 और 14, टोटल हमें गिवन था 77। ठीक है, तो मतलब मैं कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूं, समझ रहे हो आप, हम कोई दिमाग नहीं लगा रहे, बस हम चेप रहे हैं। और फिर उसने दे रखे थे इंटर सेगमेंट एक्सपेंसेस, तो वो कितने थे, मतलब उसमें था फ्रॉम बी, फ्रॉम सी, फ्रॉम ए। तो फ्रॉम बी में था 75 और 30, टोटल हो गया 1,05,000।
फ्रॉम सी में था 6,000 और 40,000, तो टोटल हो गया 46, और फ्रॉम ए में था 18,000 और 82,000, 1,00,000, बस। तो अब आपकी वो दूसरी डेफिनेशन आ जाएगी, तीनों खर्चे जोड़ लेते हैं तो टोटल सेगमेंट एक्सपेंसेस आ जाएंगे जी। तो या तो मैं जोड़ लेता हूँ, आप मेरा चेप लेना, या आप जोड़ लो, मैं आपका चेप लूँगा, माइनस करके फाइनल आंसर भी लिख लेता हूँ, सेगमेंट रिजल्ट आ जाएगा फाइनली। तो 4,16,000 ए का, बी का 236, सी का 2,01,000 और टोटल 853। बस अब आप रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके निकाल लो फाइनल सेगमेंट का कितना आ रहा है, तो मैं निकाल लेता हूँ या आप निकाल लो। ए का आ रहा है 244, बी का आ रहा है 179, सी का आ रहा है 69 और टोटल आ रहा है 492। चलो तो ये कर लो पहले, बट आपको समझ आ गया कि क्या हो रहा है, सेगमेंट रिपोर्ट मतलब सेगमेंट रिजल्ट कैसे निकाला, सेगमेंट रेवेन्यू और सेगमेंट एक्सपेंसेस, तो फिर आ गया सेगमेंट रिजल्ट। चलो इसके बाद बस दो केस बेस्ड क्वेश्चन करने, वो मतलब इजी हैं, बस आपको स्टोरी सुनाऊंगा मैं क्वेश्चन की, फिर ओरली बताना है, बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन यही थे मतलब जो अभी मुझे करवाने थे आपको। ठीक है, क्लियर हो गया आंसर, कर लिया नोट, कर लिया सब बच्चों ने? चलो तो बस दो क्वेश्चन केस बेस्ड करेंगे, इसमें यही करना था, सेगमेंट रिजल्ट्स निकालने थे। चलो तो अब आओ जी क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे डिस्कस, ये दोनों केस बेस्ड क्वेश्चन है 8 और 9। ठीक है, तो पहले 8 देख लेते हैं फिर 9 देख लेंगे। चलो तो 8th में लिखा है, कंपनी ए इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट टू डिस्टिंक्ट बिजनेस सेगमेंट्स। ठीक है, हर लाइन को बिल्कुल बारीकी से धीरे धीरे पढ़ना। द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी आर सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट ओनली। द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द कंपनी इज ऑर्गेनाइज्ड टू रिफ्लेक्ट ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन बाय टू ब्रॉड मार्केट सेगमेंट्स, रूरल एंड अर्बन। बिसाइड्स द टू बिजनेस सेगमेंट्स, हाउ शुड द कंपनी ए आइडेंटिफाई ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स? डू ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स एग्जिस्ट विद इन द सेम कंट्री? एक्सप्लेन इन द लाइन विद द प्रोविजन ऑफ AS 17। तो पहले क्वेश्चन समझ आया क्या पूछ रहा है? मतलब मैं थोड़ा हिंदी अनुवाद कर देता हूँ अपनी बेसिक हिसाब से, कि एक कंपनी के दो बिजनेस सेगमेंट्स तो हैं, बाकी कंपनी जो है वो खाली भारत में ही काम कर रही है, लेकिन मैनेजमेंट ये चाह रहा है, मैनेजमेंट ये कह रहा है कि भाई हमें ना बिजनेस सेगमेंट्स तो ही हैं, हमें ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स भी आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए, एक को रूरल कह देंगे और एक को अर्बन कह देंगे, कंट्री एक ही है, देश इंडिया ही है, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है कि भारत देश में भी हमें ज्योग्राफिकल सेगमेंट बना लेना चाहिए, एक अर्बन और एक रूरल। ये है क्वेश्चन, समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो वो बस आपसे पूछ रहा है कि भाई मतलब कि हाँ बता कि अपना राय दो, तो दो राय।
कि भारत में ही मतलब कंट्री एक ही है, क्या एक ही कंट्री में दो ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो सकते हैं? ये उसने पूछा है, यही पूछा है मेन चीज़ कि डू ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स एग्जिस्ट विद इन द सेम कंट्री? ठीक है, हाँ सर हो सकते हैं या नहीं सर नहीं हो सकते, इसके पीछे आपको रीज़न बताना है। हाँ तो देखो AS 17 में जब शुरू में हमने डेफिनेशन में ज्योग्राफिकल सेगमेंट लिखा है तो उसमें वैसे कहीं ये मेंशन नहीं कि अलग कंट्रीज होने चाहिए, तो सेम कंट्री में भी ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो सकते हैं। बस आपको ये बताना है कि इसमें AS 17 जो है वो ये कहता है कि ये केस टू केस डिपेंड करता है और हमें कुछ फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, अगर वो फैक्टर्स ऐसे हैं जो जस्टिफाई कर दें कि यस रूरल एरियाज़ में हमारा मान लो एनवायरनमेंट अलग है, प्रोडक्ट का प्रोसेस अलग है, या मान लो रिस्क अलग है और अर्बन एरिया में अलग है, तो फिर हम अलग अलग ज्योग्राफिकल सेगमेंट बना सकते हैं उसके बेसिस पर। बट आंसर लिखोगे कैसे भाइयों बहनों बताओ? हाँ तो आंसर जो है मतलब मैंने ऐसी एक डेमो यहाँ पे लगा रखा है कि आपको पहले AS 17 के हिसाब से बताना है कि ज्योग्राफिकल सेगमेंट मतलब क्या है, है ना, उसकी परिभाषा क्या है, और फिर आप गिवन केस के हिसाब से बता सकते हो कि यस एक कंट्री के अंदर ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो सकते हैं गिवन दैट अगर उनका एनवायरनमेंट अलग है, रिस्क एसोसिएटेड जो है वो अलग हैं, ऑपरेशन का तरीका अलग है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद 9th, ये भी एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी एक बार देख लेते हैं। 9th में लिखा है कि PK लिमिटेड हैज़ आइडेंटिफाइड बिजनेस सेगमेंट एज इट्स प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट। तो देखो दोस्त, आप पूछ रहे थे शुरू में, आप बच्चे, इस कंपनी ने अपने बिजनेस सेगमेंट को क्या कंसिडर करा है? प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट। ठीक है, तो क्वेश्चन या कंपनी खुद डिसाइड करती है कि किसको प्राइमरी करना है किसको सेकेंडरी, है ना, तो इसने अपने बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट कर रखा है आइडेंटिफाई। इट हैज़ आइडेंटिफाइड, अब बड़े ध्यान से पढ़ना आगे, इंडिया, US और UK, तीन देश हो गए, तो भाइयों तीन उंगली बना लेते हैं, इंडिया, US, UK एज 3 ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स। तो ये हो गए इनके 3 ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स। इट सेल्स इट्स प्रोडक्ट इन द इंडियन मार्केट विच कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ द कंपनी सेल्स। तो भारत में ये जो सेल कर रहे हैं वो कितने प्रतिशत कर रहे हैं? 70। आ जाओ तुम इधर आ जाओ स्टेज पे, मैं घर चला जाता हूँ, पहले मैं पढ़ तो लूँ। 25% इज सोल्ड इन USA और USA में कितने प्रतिशत? 25। तो आपको UK में बताना है 5। ठीक है जी, तो ये हो गई सेल का ब्रेकअप। अब वो कह रहा है इज PK लिमिटेड एज पार्ट ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल सेकेंडरी सेगमेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट सेल्स वेयर सच सेल्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। बताइए, तो अब बताइए, मतलब फाइनली फाइनल क्वेश्चन तो ये पूछ रहे हैं कि क्या PK लिमिटेड को अपने सेगमेंट रेवेन्यूज बताने पड़ेंगे एक्सपोर्ट सेल्स से जहाँ पर सेल्स उसकी सिग्निफिकेंट नहीं भी है? और रीजन वो तो था कि सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की मिलाकर अगर तो कौन सिग्निफिकेंट है और कौन नहीं ये बताओ। इंडिया सिग्निफिकेंट है और US है, वेरी गुड, और UK नहीं है, वेरी गुड, तो यही आंसर है इसका। तो आपको यही लिखना है, मतलब जो क्रक्स है वो बता रहा हूँ कि इंडिया रिपोर्टेबल है वो तो है ही है 70% है, USA भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो भी 25% है, 10% थ्रेशोल्ड से ऊपर जा रहा है, लेकिन UK जहाँ पर सिर्फ 5% सेल है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो UK को रिपोर्ट करना ज़रूरी नहीं है। तो ये मैं दिखा देता हूँ आंसर, तो 8 और 9 आपके होमवर्क में जाएंगे, ध्यान रखना। और क्या, तो देखो जी कैसे लिखना है पंडित जी, पहले पैराग्राफ में क्या स्टार्टिंग है? एज पर AS 17 लिमिट क्या लगाता है?
10% और मोर। और दूसरे पैराग्राफ में क्या आ जाएगा कि भाई देयरफोर कौन से सेगमेंट को रिपोर्ट नहीं करना, पढ़ो येलो वाली लाइन, नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट सेल्स टू यूके। तो यूके वाले एक्सपोर्ट सेल्स को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूके वाला जो है वो 10% क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा, तो इसीलिए उसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इंडिया, तो खैर डोमेस्टिक हो गया, और यूएस में जो सेल कर रहे हैं सिर्फ उसको ही रिपोर्ट करना रहेगा। तो फिर हाँ, फिर तो खैर करते ही, 11 क्या 10 भी होता तब भी करते। हाँ ठीक है, तो क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आया सारा। चलो जी, तो अब आप मतलब लंबी गहरी सांस ले सकते हो।